गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? मजे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज बताइए सर, आज बारिश की क्या पोजीशन है? हो गई है, हो रही है, होने वाली है। ओके, तो मेरे पास भी यही हाल है। लगभग लगभग पूरे दिन बारिश या 90% 91% इतनी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। थंडर स्ट्रॉन्ग विल मूव थ्रू योर एरिया। ओके चलिए, खैर राजस्थान में भी बारिश नहीं हुई। ओहो, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। कल वैक्सीन लगाई, भी थोड़ा फीवर आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वैसे मैं बचपन में बोलते थे कि जहां पे ज्यादा पापी है वहां बारिश नहीं हो रही, ऐसा है क्या? ये क्या अगस्ती जी आज कोई त्योहार है क्या? शुभेच्छा। अच्छा ओके, एकादशी है आज। सर फॉर टू दिल्ली में, दिल्ली में सोचना पड़ेगा, पॉलिटिशियन सारे उधर ही हैं। चलिए सर, तो अब हम आ जाते हैं डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज पे। जल्दी से डिसाइडेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे सो दैट उसके बाद बात कर सके पार्सिंग की। यस ठीक है, तो एक बार, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, एक बार बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, डिसीजन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम कंप्यूटर साइंस में सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे पास दो मेट्रिसेस हैं, आई हैव टू मेट्रिसेस एंड द प्रॉब्लम इज टू मल्टीप्लाई देम, क्या ये एक वैलिड प्रॉब्लम है? दो मैट्रिक्स हैं, कंपेटेबल ऑर्डर की हैं, मुझे उन्हें मल्टीप्लाई करना है, वैलिड प्रॉब्लम है सर? सॉल्वेबल है, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? जी हाँ, सॉल्व किया जा सकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगेगा? अगर मैं आपको ऑर्डर भी बता रहा हूं, लेट मी से दिस इज 3 ऑर्डर 4 एंड लेट मी से दिस इज 4 क्रॉस 5, तो रिजल्ट का ऑर्डर बताओ क्या होगा? वेरी गुड, पहला मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4, दूसरा मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 5, रिजल्ट का ऑर्डर बताओ। रिजल्ट का मैटर ऑर्डर होगा सर 3 क्रॉस 5। बहुत अच्छे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब आप इस तरह से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितने समय में, कितने टाइम पे आएगा, क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? आंसर कितने टाइम में आएगा, क्या इसका अपन अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं दोबारा याद दिला दूं, मैं आपसे एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा हूं या अप्रोक्सीमेट टाइम की? अप्रोक्सीमेशन की, वही जो अपन एल्गोरिदम्स में करते हैं, इजंट इट? तो जैसे सुबीर बोल रहा है मशीन पे डिपेंड करेगा, हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा, बट नहीं, मैं उस डेप में बात नहीं कर रहा, मैं एल्गोरिदम लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो क्या 3 लूप में ये काम हो सकता है? 3 लूप में? यस। तो इसको ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लिखना, या अगर आपने एक एल्गोरिदम पढ़ा हो तो ऑर्डर ऑफ एन रेस्ट ऊपर 2.81 लिखना गलत नहीं होगा, याद है?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से समझिएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने पढ़े हैं एल्गोरिथम्स में, जहां पर आप एक प्रॉब्लम समझते हैं, आप ये समझते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए आप एल्गोरिथम भी रखते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं डिसाइडेबल प्रॉब्लम। हेलो एम्बिगुअस, इन सारे प्रॉब्लम्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो डिसाइडेबल शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? डिसाइडेबल तब बोलेंगे व्हेन वी कैन राइट एन एल्गोरिथम, व्हेन वी कैन से कि हाँ लगभग इतने समय में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब हम अप्रोक्सीमेशन हम टाइम एनालिसिस कर सके। ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो हम बोलेंगे सॉल्वेबल तो है ना, बट डिसाइडेबल नहीं है। सॉल्वेबल है बट डिसाइडेबल नहीं है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है यहीं पर, मेरे मित्र एम्बिगस यहाँ पर है, एम्बिग्यूटी। मुझे ट्यूरिंग मशीन तक जाने की जरूरत नहीं है, एम्बिग्यूटी। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ऑलरेडी मैं इस प्रॉब्लम को आपको स्टडी करा चुका हूं सर, कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं है, क्या प्रयास करके इसका आंसर बताया जा सकता है? हाँ कोशिश करेंगे, पहले देखेंगे लेफ्ट रिकर्शन है कि नहीं, राइट रिकर्शन। देखिए मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ये बोल रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं ये बताना असंभव है, अनसॉल्वेबल है? ना 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 ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई डोंट हैव एन एल्गोरिथम, मुझे एक फिक्स अप्रोच नहीं पता कि भाई मैं ये एल्गोरिथम दूंगा और ये काम हो जाएगा। दिमाग लगाते रहना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई जिसे बोलते, कोशिश करते रहने पड़ेगी और तब कहीं जाके शायद हम बता पाएंगे कि एम्बिगस है कि नहीं है। बताइए मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ नहीं तो अब यहां बोलो गुरफान, यहां बोलो सॉल्वेबल बट अनडिसाइडेबल। फिगरिंग आउट वेदर अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगस और नॉट, वी मस्ट से व्हाट? हाँ सॉल्वेबल है लेकिन लेकिन अनडिसाइडेबल है। तो अनडिसाइडेबिलिटी का और डिसाइडेबिलिटी में पहले भेद, इसका डिफरेंस समझ पा रहे हैं क्या? कोई चीज अगर मैं हिट एंड ट्राई से कर रहा हूं, मैं अगर उसके लिए एल्गोरिथम नहीं लिख पा रहा हूं तो बोलूंगा सॉल्वेबल तो है लेकिन डिसाइडेबल नहीं है। डिसाइडेबल कब बनेगा? जब मैं उसके लिए एल्गोरिथम लिख सकता हूं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? एल्गोरिथम लिखना मतलब डिसाइडेबल हो जाना। बहुत अच्छे। तो अब मैं प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी चलता हूं। पहली दो प्रॉपर्टी यहां पर लिखी हुई है, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। मुझे बताओ एम्प्टी नॉन नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होगा? आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और फिर आपको मुझे बताना है कि उस ग्रामर से कुछ भी बनेगा कि नहीं बनेगा, एक भी स्ट्रिंग जनरेट होगा कि नहीं होगा। बिकॉज अगर कुछ भी जनरेट हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, महेश सही बोल रहा है, आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि फाइ और नॉट फाइ। अगर कुछ भी जनरेट नहीं हुआ तो फाइ मानूंगा, फाइ मतलब एम्प्टी, और अगर कुछ भी जनरेट हुआ तो नॉट फाइ, नॉट फाइ मतलब नॉन एम्प्टी। सही बात है, ठीक है। तो बताओ जरा कैसे कर सकते हैं, कैसे बताओगे? मैं कोई भी अगर रैंडम ग्रामर आपको दूंगा, हाउ कैन यू डू इट? तो लेट्स डू वन थिंग। तीन ग्रामर है भाई, पहले आप इन पे काम कर लो फिर देख लेंगे, मेरे ख्याल से बात खुद में खुद समझ आ जाएगी। जरा मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन कौन एम्प्टी है, कौन कौन नॉन एम्प्टी है? भाई अगर आप डिसाइडेबल बोल रहे हो तो इसका आंसर तो करोगे ही ना। चलो शुरू हो जाओ। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन ग्रामर हमारे पास हैं, जरा ऑब्जर्व करो और बताओ इसमें से कौन कौन एम्प्टी है, कौन कौन नॉन एम्प्टी है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तब चलिए आइडिया के हिसाब से अगर ऑब्जर्व कर आगे बढ़े, तो यहां देखिएगा सबसे पहला प्रोडक्शन देखिए, क्या यहां पर कोई यूजलेस सिंबल है? गौर करिए फर्स्ट प्रोडक्शन में,
यूनिट प्रोडक्शन यूजलेस सिंबल, नल प्रोडक्शन हाँ यूजलेस सिंबल है, लेकिन अगर बी भाई साहब बाहर जाएंगे तो पूरा प्रोडक्शन लेके जाएंगे, बट इसके बाहर जाने के बाद भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस से मैं जनरेट करूंगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और कैपिटल ए से फिर स्मॉल ए बनेगा। हाँ कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे को लेना देना नहीं है, कुछ बना सर। अगर कुछ बना तो फिर मैं क्लियर कट बता पाया कि ये है नॉन एम्प्टी। यस, इन भाई साहब को देखिए, यहाँ देखिए वही गेम है, बी जो है वो किसी काम का नहीं, बट बी अगर बाहर गया तो जाते जाते ए को अनरीचेबल बना जाएगा। बताइए सही बात है क्या, बी बाहर गया तो ए हो जाएगा अनरीचेबल, और ए अगर हुआ अनरीचेबल तो ये भाई साहब हो गए एम्प्टी, कुछ नहीं बनेगा इससे। थर्ड वाला देखिए, एस कॉल कर रहा है ए को और बी को, और ए से बी और बी से ए नजर आ रहा है, तो ये तो आपस में घूमता रहेगा, देन दैट इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, दैट इज ऑल्सो एम्प्टी। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, तो अब आप मुझे बताएं मैं क्यों अब इस बात पे जोर दे रहा हूं। कैन आई टेल यू वन थिंग, कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है, भाई मैं ऑलरेडी आपको ये बात पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं? मैं बोलूंगा जस्ट सिंप्लीफाई इट। उसको सिंप्लीफाई करने का क्या, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ सर, थ्री स्टेप की प्रोसेस है, नल प्रोडक्शन हटाने का, यूनिट प्रोडक्शन हटाने का, यूजलेस सिंबल हटाने का, और ये जी तीन जो प्रोसेस है, क्या ये करने के लिए कंप्यूटर को ट्रेन किया जा सकता है, प्रोग्राम लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है ना, तो आप सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद एक भी प्रोडक्शन बचा, इवन एटलीस्ट वन प्रोडक्शन इज देयर, तो उससे कुछ ना कुछ तो बनेगा, जस्ट से नॉन एम्प्टी। अगर एक भी प्रोडक्शन नहीं बचा तो बोल दो एम्प्टी। बताओ सही बात है क्या? अगर कुछ भी प्रोडक्शन बचा तो नॉन एम्प्टी, अगर एक भी प्रोडक्शन नहीं बचा तो एम्प्टी। बताएं जरा, ये बात फॉलो कर पा रहे? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इसमें अब किसी को? ओके ओके, क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, लुक एट दिस नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर तीन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको नजर आ रही है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करता हूं आपका, बताओगे क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसी नॉर्मल फॉर्म में भी है क्या? अभी कल पढ़ा ना अपन ने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला सीएनएफ में है सर, या तो दो प्रोडक्शन, दो नॉन टर्मिनल, या तो सिंगल टर्मिनल। सेकंड वाला आई थिंक किसी में नहीं है, ये तो परेशान करेगा आपको। और थर्ड वाला भी सीएनएफ में ही लिखा हुआ है, सीएनएफ की अपनी इंपॉर्टेंस आगे जाके हम समझेंगे। खैर अब देखिए, यहां पर हमारा काम क्या बताना है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी नहीं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये करने के लिए एक ग्राफ हम बनाते हैं, और ग्राफ से केसेस को आप जल्दी से ऑब्जर्व कर सकते हो। बेसिकली वैसे तो हमें लूप और रिकर्शन ही ढूंढना है ना, यस और नो भाई? फाइनाइट लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्शन से अगर आप ये देखना चाहते हो कि लैंग्वेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्शन जनरेट कर पा रही कि नहीं, तो टेक्निकली हमें क्या सर्च करना है, लूप्स। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ। आपको करना क्या है, पहले इनको मिनिमाइज कर लो। मुझे बताओ ग्रामर नंबर वन मिनिमाइज है या इसमें मिनिमाइजेशन का कोई स्कोप है, आप डिसाइड करो। यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन या यूजलेस सिंबल, इस तरह की कोई बीमारी है क्या इसको? फर्स्ट वाले स्कोप है, बताओ क्या स्कोप है? वेरी गुड, तो कैपिटल सी जो है, क्या कैपिटल सी से कुछ टर्मिनेशन है? कैपिटल सी से कोई टर्मिनेशन नहीं है, बहुत अच्छे। तो यहां पर चलो ये बात आपने पकड़ ली, वेरी गुड। इस बात सब किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, क्या अब ये ग्रामर मिनिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड, सिंप्लीफाइड है? ओके, अब देखिए, तो मैं एक काम करता हूं,
मेरे पास जितने भी नॉन टर्मिनल है ना, मैं उन सब के लिए एक वर्टेक्स बनाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एवरी नॉन टर्मिनल आई एम मेकिंग अ वर्टेक्स। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। और देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्शन है एस टू डबल एस, तो कैन आई हैव अ लूप हियर। उसके बाद मैं एस से जा रहा हूँ ए और बी के पास लाइक दिस, उसके बाद ए तो टर्मिनेट हो रहा है, बी भी टर्मिनेट हो रहा है और कुछ नहीं। दिस इज द रिजल्टेंट ग्राफ जो बनेगा। क्या बात समझ आ रही है आपको? बस प्रोडक्शन देख के एजेस लगाने का बस। अब मुझे बताओ क्या इस ग्राफ में कोई लूप कोई साइकिल है क्या? हाँ है ना सर, पहला ही प्रोडक्शन दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है, इस ग्राफ में लूप या साइकिल है? इसका मतलब ये एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा, आई एम सॉरी, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगला आप बताओ, सेकंड आप बताओ। फाइनाइट के इनफाइनाइट, कैपिटल बी इज अ यूजलेस सिंबल जिसके से कुछ भी टर्मिनेट नहीं होता। बी बाहर जाएगा और अगर बी बाहर गया सब कुछ बर्बाद होगा। ग्राफ बनाने की तो दूर की बात है, बट लेट मी गो वन बाय वन। अगर ये एम्प्टी है, क्योंकि सवाल एम्प्टी नॉन एम्प्टी तो था नहीं, अगर ये एम्प्टी है सर तो फिर ये फाइनाइट भी है। सही बात है ना? अगर ये एम्प्टी है तो ये फाइनाइट भी है। फॉलो कर पा रहे इस बात को? एम्प्टी है तो फाइनाइट भी है। बहुत खूबसूरत, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्शन देखिए, थर्ड वन। यहां ध्यान दीजिएगा, पहले मुझे बताओ ऑप्टिमाइज मिनिमाइज है क्या? क्या इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप है भाई लोगों? ओके, देन लेट मी गो वन बाय वन। कैपिटल एस मेरे पास है, देन कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। एस से अपुन जाएगा ए बी के पास, ठीक है, ए से बी और सी के पास, बी से सी के पास, बट सी से बैक टू ए बी। क्या आपको कोई लूप या साइकिल नजर आया? हाँ है। ये सबसे आसान तरीका, वरना इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बाद में। सर लूप या साइकिल है, इसका मतलब ये भाई साहब भी हो गए इनफाइनाइट। लूप या साइकिल है, इसका मतलब ये भी हो गए इनफाइनाइट। तो मुझे बताएं कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फाइनाइट या इनफाइनाइट है क्या? इसको भी, जी हाँ, बहुत ही प्यारा तरीका है, सही बात है। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फाइनाइट या इनफाइनाइट है क्या? इसको भी डिकोड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिना किसी डाउट के किया जा सकता है। यस, हाउ टू चेक लूप इन अ प्रोग्राम? सर किसी प्रोग्राम के अंदर लूप है कि नहीं वो बात कर रहे हैं? या इस ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? नो, इस केस में बात कर रहे हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल बी श्योर कि ग्रामर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हो। स्टेप नंबर टू, अगर ग्रामर सिंप्लीफाइड है, ट्राई टू ड्रॉ अ ग्राफ वेयर एवरी वर्टेक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉन टर्मिनल एंड देन बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन आप एजेस लगाओगे। बाद में इस रिजल्टेंट ग्राफ में अगर कोई, अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हो आप मुझसे पूछ रहे हो किसी ग्राफ में लूप या साइकिल है कि नहीं, ये कैसे पता लगा है? बाबू वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। आप ग्राफ बनाओगे किसी ग्राफ में लूप या साइकिल है कि नहीं, ये तो बहुत सिंपल ग्राफ थ्योरी प्रॉब्लम में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो सकता है। कंफ्यूजन है आपको या क्लियर हो गया, ये बता दो। क्लियर है उरफान को पता बेटा, अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ फिर तो एक ही तरीका बचता है, वो है ऑडियो पे आने का। चलिए अब अगले आइडिया पे बचते हैं, और वो है
मेंबरशिप। पहले एक बार मुझे बता दो, पांचवी प्रॉपर्टी याद है कौन सी है? आफ्टर एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, लास्ट प्रॉपर्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट और जिसको हम डिसाइडेबल बोलते हैं, दैट इज मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब बेसिकली यही है ना कि कोई ग्रामर हमारे पास है और एक स्ट्रिंग हमारे पास होगा और ये बताना कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी मेंबरशिप कहलाती है। हाँ या ना? हाँ, ये बात समझ आ रही है सबको? एक्सक्यूज मी। ओके ओके, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं बड़े मजेदार। क्या किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम पार्सर बना सकते हैं? फॉर एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, फॉर एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन वी डिजाइन अ पार्सर एंड दिस कैन बी अ पोल क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स फॉर एनी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात कर रहा हूं। फॉर एनी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वी कैन डिजाइन अ पार्सर, हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए एक पार्सर बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? वाह, ये तो मुझे शक हुआ लेकिन बहुत अच्छा है कि मैंने सवाल पूछ लिया। ओके, तो मजे की बात है कि मुझे पता नहीं आपको पोल का रिजल्ट दिखाता है कि नहीं, बट इट सेज 50-50 एग्जैक्टली, ना 51 ना 49। यस, तो मेरी क्लास में 50% बच्चों का मानना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, कैसा भी हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर सिंप्लीफाइड नहीं है तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। खैर, आपका पॉइंट था किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम पार्सर बना सकते हैं कि नहीं, तो ये गलत है, नहीं बना सकते। और आगे जाके हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे ग्रामर होंगे भाई, अगर सबके लिए बना सकते तो मसला हल नहीं हो गया होता। एक आसान सी बात अगर पूछ लूं, एम्बिगस के अलावा भी, क्या आप ऐसा सोच रहे कि अनएम्बिगस होगा तो पार्सर बना लेंगे? ये बताइए। अगर चलो मैं ये भी बोल देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जनाब, अनएम्बिगस है, क्या आप पार्सर बना लेंगे? नहीं सर, जरूरी नहीं है। हेलो सुखजीवन जी, गुड मॉर्निंग। जरूरी नहीं है। तो आगे अभी बात करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे रास्ते में आएंगी लेकिन मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं, फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वी कैन डिजाइन अ पार्सर, वी कैन डिजाइन अ सिंटेक्स एनालाइजर, नो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या ये बात समझते हैं आप? खैर, अगले पूरे चैप्टर में इस बात को और डिटेल से समझेंगे। यस, यश कह रहा है एक बार मेंबरशिप प्रॉपर्टी फिर से बता दूं। बाबू अभी तो एक बार भी नहीं बताई, फिर से कैसे बताऊं? अभी तो मैं सिर्फ भूमिका बंधा रहा हूं, है ना। जब बचपन में आपने एस्से लिखा होगा तो उसमें पहला पैराग्राफ क्या लिखते थे? दिवाली का एस्से कैसे लिखा है? प्रस्तावना। अभी तो मैं सिर्फ भूमिका बंधा रहा हूं, पहले प्रस्तावना लिखूंगा, फिर बताऊंगा दिवाली को मनाने का कारण, फिर बताऊंगा दिवाली को मनाने का तरीका, फिर बताऊंगा लाभ और हानि, उसके बाद कंक्लूड करूंगा। यस, ठीक है, तो दोबारा समझिए। दोबारा समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, दोबारा इस बात को आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसके लिए हम पार्सर सिंटेक्स एनालाइजर बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात का मतलब क्या है? सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, पार्सर क्या करता है? एक स्ट्रिंग के लिए ट्री बना के बताएगा इससे बन सकता है कि नहीं बन सकता, यही मतलब है ना। यस, बट अब यहां पर मैं ट्री की बात नहीं करता है, थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है। एक ग्रामर मेरे पास है और सवाल बस यही है कि क्या अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग दूं तो इस बात को बताना कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट होगी कि नहीं होगी, इसको मेंबरशिप प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर स्ट्रिंग जनरेट हो गई तो इसका मतलब वो उस ग्रामर का मेंबर है, अगर स्ट्रिंग जनरेट नहीं हुई तो वो इसका मतलब ग्रामर का मेंबर नहीं है, बस इतनी सी बात है। मुझे बताइए बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर स्ट्रिंग जनरेट हुई तो मेंबर है, स्ट्रिंग जनरेट नहीं हुई
तो मेंबर नहीं है। अब मैं वेट करूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि आप देखो क्या ये चीज हिट एंड ट्राई से आसानी से आंसर की जा सकती है कि नहीं। ये ग्रामर आपके पास सामने है सर, क्या ये ग्रामर ऑलरेडी मिनिमाइज सिंप्लीफाइड ऑप्टिमाइज्ड है, क्या इसमें नल प्रोडक्शन या फिर यूनिट प्रोडक्शन या फिर यूजलेस सिंबल इस तरह की कोई बीमारी है? नहीं, इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है है ना, ऑलरेडी ऑप्टिमाइज नजर आ रही है। ठीक है, तो फिर मुझे दूसरी बात बताएं, क्या, वेरी गुड, क्या ये जो ग्रामर हमारे पास है क्या ये नॉर्मलाइज भी है? नॉर्मलाइज, जी हाँ, बहुत प्रेम प्यार सद्भाव से इसको सीएनएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप टाइम ले और मुझे बताएं W1, W2, W3 में सर कौन कौन मेंबर है, कौन कौन मेंबर नहीं है, बस बात खत्म, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। और जिसने मारे तुक्के उसको लगेंगे मुक्के, समझ लीजिएगा। तो सबूत के साथ बात करिएगा, कभी बाद में बोलोगे आए सर वो तो मैं कर रहा था सर, बस वो अब नहीं समझ आया, ना 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 ना, जब बना लो तब बताइएगा। कौन कौन मेंबर है और कौन कौन मेंबर नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड, अलग अलग जवाब है, ज्यादातर लोग कहना है मेंबर है, बट कुछ का कहना है मेंबर नहीं है। अच्छा, ये ग्रामर जितनी मासूम नजर आ रही है कि उतनी मासूम है, या ये सांप की तरह बहुत बार लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन करके आपको परेशान करने की कोशिश भी करेगी? बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत दिमाग लगा के इसको बताया है। ठीक है, अब मैं काम करता हूं। ज्यादातर लोग का कहना है वन नहीं है, टू है। अच्छा, वन बन गया, वन में कुछ लोग को शायद कंफ्यूजन है, डब्ल्यू टू बन रहा है, नहीं कुछ लोग मना भी कर रहे हैं, तो मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग चेक करूंगा, एक ना, एक से कम ना एक से ज्यादा, और बहुत सोच समझने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं W2 चेक करूंगा। W2, आप बोलोगे सर W2 तो बन रहा है सर, लेकिन मैं फिर भी वही चेक करूंगा, क्यों? क्योंकि वो आसान है, क्योंकि मैं उसे याद करके आया हूं, क्योंकि उसका आंसर मुझे पता है, तो मैं सिर्फ W2 चेक करूंगा। ठीक है, चलिए, अब यहां ध्यान से देखिएगा, पूरी बात समझिएगा, बल्कि मुझे इसको इसके ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको तो एल्गोरिदम सिखाने वाला हूं। अगर मैं आपको एल्गोरिदम सिखा रहा हूं तो क्या फिर आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप खुद किसी भी पैटर्न पे टेस्टिंग कर सकें? जी हाँ, बेशक। तो कोई बात नहीं, हम वो अप्रोच ही समझ रहे हैं सर, जिससे आप पूरा का पूरा आइडिया खुद ही रिजॉल्व कर लो। तो यहां पर
एक बड़ी अजीब किस्म का मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ऐसा क्यों बनाऊंगा अभी कुछ ही देर में आपको समझ आएगा, जिस स्ट्रक्चर की मदद से बाद में फिर हम पता लगाएंगे कि कौन कौन मेंबर है और कौन कौन मेंबर नहीं है। यस अच्छा, अब मुझे पता नहीं कितने लोगों ने एल्गोरिथम अभी अच्छे से पढ़ा होगा, बट एल्गोरिथम में एक आइडियम यूज करते हैं डीपी। हेलो प्रीतम जी, नमस्कार, सुप्रभात। डीपी, यस, व्हाट इज डीपी? डीपी स्टैंड्स फॉर दीपिका, नहीं, ओके, डीपी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डीपी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना? और डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक व्यवस्था है, यस, जैसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है। जी हाँ, तो जब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो और रिकर्सिवली हम उसको कॉल करें, वहां पर ये इस्तेमाल होता है। मैं खैर अभी उसके डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, बट आपको एक बात समझा रहा हूँ कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आमतौर पे हम एक मेमोरी, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रॉब्लम्स को टेम्परेरीली सॉल्व करते चलते हैं, प्रॉब्लम्स को टेम्परेरीली सॉल्व करते चलते हैं, ताकि बाद में हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को दोबारा दोबारा ना सॉल्व करना पड़े। क्या ये बात समझते हैं? छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख लेने का, ताकि उनको बार बार ना सॉल्व करना पड़े, बस यही आइडिया डीपी है ना? अब ये जो आइडिया डीपी है, इसके थ्रू हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यहाँ देखिए, मैं काम कर रहा हूं, मैं इस बॉक्स में, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं इस बॉक्स में क्या कर रहा हूं सर? ये लिखूंगा, ये सिंबल कैसे बना, बहुत साधारण बात है। स्मॉल ए किससे बन सकता है? स्मॉल ए बनाने की ताकत सिर्फ कैपिटल बी के पास है, गौर करिएगा। स्मॉल ए बनेगा कैपिटल बी से, उल्टा किया है मैंने, स्मॉल बी बनेगा कैपिटल ए से, एंड देन कैपिटल बी, एंड देन कैपिटल बी, एंड देन कैपिटल ए। पहली रो में कैसे भर रहा हूं, इस बारे में कोई तकलीफ, कोई डाउट है किसी को? बहुत साधारण बात है, ग्रामर का प्रोडक्शन देख के नजर आ रहा है, और क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे, अब मैं आगे बढ़ूंगा, गौर करिएगा, और मैं दो दो का पेयर बाय पेयर चेक करूंगा। तो मैं बी ए चेक कर रहा हूँ, लुक एट दिस बी ए, क्या बी ए बनाने की कैपेसिटी है किसी की? हाँ, बी ए बना सकता है, लुक लुक एट दिस, कैपिटल ए कैन जनरेट बी ए, तो लेट मी राइट ए हियर। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं दो दो को बाइनरी ट्री की तरह मर्ज करता चल रहा हूं। अब बताओ ए बी की कैपेसिटी है क्या किसी की? ए बी ए बी ए बी ए बी, हाँ है ना, ए बी एस बना सकता है, तो इधर होगा एस। इसी आइडिया से अगले सेल में बताओगे क्या आएगा? ए बी बनाने की कैपेसिटी एस की, अगले सेल में भी एस आएगा। सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हम शायद चेक कर रहे होंगे डबल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, और कैपिटल बी भी भाई साहब कैपिटल एस बना सकता है। और अगला मैं चेक करूंगा क्या? बी ए फिर दोबारा से ए बनाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे बी को एंट्री नहीं मिली, बट किस तरह से मैं वाइंड अप कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अच्छा, अब बताओ अगला पैटर्न कैसे चेक करेंगे? ए एस चेक करेंगे, यस ना? ऐसे नहीं चेक करेंगे, अब मैं कहानी चेंज कर रहा हूं, रूल चेंज करूंगा सर, और रूल कॉम्प्लिकेट होगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक सेकेंड, पहले समझिए, आप समझ पा रहे हैं कि मैं फिलहाल इस सेल को फिल करने की कोशिश में हूं, दिस सेल, यस। तो मैं यहां पर दो एज मार्क करूंगा, दो एज मार्क करूंगा, एक एज वर्टिकली ऊपर से नीचे आने का, और एक एज हॉरिजॉन्टली, बल्कि नॉट हॉरिजॉन्टली, डायगनली, डायगनली नीचे से ऊपर जाने का। जब मैं ऐसा करूंगा तो देखिए होगा क्या, जब मैं ऊपर से नीचे चलूंगा तो यहां पर मुझे क्या नजर आएगा, मुझे बताओ क्या नजर आ रहा है? कैपिटल बी, सिर्फ क्या, अभी नीचे नहीं आना, बस वहीं रुक जाओ। ऊपर से नीचे आते हुए सबसे पहला सिंबल क्या मिलेगा? कैपिटल बी, और कैपिटल बी के बाद नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाने की जो प्रोसेस है, इसमें नीचे से ऊपर जाते हुए क्या मिलेगा? कैपिटल एस। तो ऐसा हम ना पेयर बनाएंगे, पहला पेयर मिला बी एस, एक वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए, एक वैल्यू नीचे से ऊपर जाते हुए, लुक एट दिस बी एस। अगला पेयर सोचो क्या होगा, मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरे को ए मिलेगा, इधर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मेरे को बी मिलेगा। तो सर मेरे को दो पेयर मिलेंगे, पहला पेयर मिलेगा बी एस, दूसरा पेयर मिलेगा ए बी,
मुझे बताओ ये जो मैं कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये बात समझ आ रही है क्या? ऊपर से नीचे आने का, नीचे से ऊपर जाने का। अब मुझे बताओ बीएस जनरेट करने की कैपेसिटी किसकी है? कौन इसमें से ऐसा माइकल लाल है जो बीएस बना सकता है? बीएस कोई नहीं बना सकता, कोई बात नहीं। क्या ए बी बना सकते हैं? ए बी ए बी ए बी ए बी जी हाँ, ए बी जनरेट करने की कैपेसिटी है कैपिटल एस की, तो सर यहां पर आएगा कैपिटल एस। अब बताओ कहानी समझ आ रही है क्या? यहां पर आ जाएगा कैपिटल एस। यस, अगला अगला सेल आप पेयर बनाओ और मुझे बताओ क्या आएगा। ये आपका काम, अगला सेल आप पेयर बनाओ ओके ओके, लेट मी डू वन थिंग। मैं भी आपके साथ कोशिश करता हूं। अभी मैं ऊपर से आऊंगा नीचे, ऊपर से आऊंगा नीचे, और जैसा सीखा था इधर नीचे से जाऊंगा ऊपर। जब ऊपर से नीचे आऊंगा तो पहले मुझे मिलेगा ए, और नीचे से ऊपर जाते हुए मुझे मिलेगा एस। तो सर पहला पेयर बनेगा ए एस, पहले पेयर बना लो ताकि गड़बड़ ना हो। सिमिलरली फिर ऊपर से नीचे आऊंगा तो ए के बाद मिलेगा एस, नीचे से ऊपर जाते मिलेगा बी, अगला पेयर मिलेगा एस बी। कौन कौन से पेयर मिल रहे हैं, क्या ये आइडेंटिफाई करने में कोई डाउट, कोई तकलीफ है आपको, बताएं। बहुत शानदार, तब मैं आपसे पूछूंगा ए एस कैसे बनेगा, पूछना इससे। ए एस बन जाएगा कैपिटल ए से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैपिटल ए कॉमा। एस बी कैसे बनेगा, एस बी बनेगा कैपिटल बी से। तो यहां पर लिखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी। क्या इतनी बात फॉलो कर पा रहे हैं? कोई डाउट है किसी को इस पूरे सेल की वैल्यू फाइंड करने के फाइनल प्रोसेस तक? ओके ओके, आगे बढ़ता हूं, अगले सेल की तरफ चलता हूं। और अगला सेल जब फिल करूंगा तो वर्टिकली आऊंगा नीचे, डायगोनली जाऊंगा ऊपर। तो पेयर सर मुझे मिलेगा पहला पेयर बी ए, अगला पेयर एस ए। पहला पेयर बी, अगला पेयर एस ए। बी ए बन सकता है कैपिटल ए से, और एस ए बनाने का कोई तरीका नहीं है। दैट इज इट। ऐसे कहां बना, बस बी ए ही बना। यस ओके, अब आपको एक बात रियलाइज करने का समय आ गया है, और आप समझेंगे कि क्यों मैं डब्ल्यू थ्री से बच रहा था। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, ये जो सेल भरने की प्रोसेस है ये आसान होती जाएगी या मुश्किल होती जाएगी? जैसे जैसे सर मैं नीचे जाऊंगा, सेल भरने की प्रोसेस मुश्किल होती जाएगी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जिन लोगों ने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा है वो जानते हैं, स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता है इटरेशंस उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। मैट्रिक्स चेन का कई लोग उदाहरण दे रहे थे, याद है ना? मैट्रिक्स वाले में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, आई की अलग अलग वैल्यू के साथ के की अलग अलग वैल्यू पर ऑपरेट करना पड़ता है, भगवान, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कोई बात नहीं, तो अब सर मुझे इधर जाना है तो ये देखिएगा डायगोनली कितने वैल्यू क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। तो पहले जरा पेयर बताइए, ऊपर से नीचे जाने का, नीचे से ऊपर जाने का। अब इधर दो वैल्यू है ना, तो मेरे को क्या मिलेगा? एक पेयर बनेगा बी ए, एक पेयर बनेगा बी बी, उसके बाद एक नीचे एक ऊपर, एक पेयर बनेगा ए एस, उसके बाद एक नीचे एक ऊपर, एक पेयर बनेगा एस बी। क्या ये चारों पेयर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यहां पर डबल थे तो एक बार बी ए, एक बार बी बी, उसके बाद ए एस, उसके बाद एस बी। क्लियर है बात सभी को? अच्छा, अब बताओ बी ए बन सकता है क्या? बी ए बी ए बी, हाँ सर बी ए बन सकता है कैपिटल ए से। बी बी बन सकता है क्या? हाँ बी बी बन सकता है कैपिटल एस से। ए एस बन सकता है क्या? ए एस बन सकता है ए से, वो हो चुका है। एस बी बन सकता है बी से, हे भगवान। या तो तीनों ही आ गए, ए बी आ गया, एस बी आ गया, बी बी आ गया। बात समझ आ रही है? तीनों के तीनों यहां पर आ गए। अब अगेन इस सेल को फिल करूंगा, वही पुरानी कहानी है, ऊपर से नीचे आने का, डायगनली ऊपर जाने का। कौन कौन से पेयर बनेंगे? तो पहला पेयर बनेगा डबल ए, दूसरा पेयर बनेगा एस ए, तीसरा पेयर बनेगा ए ए, हो चुका है, बस बी ए ले लेता हूं।
पहला पेयर ए ए, दूसरा पेयर एस ए और तीसरा पेयर बी ए। ए ए दोबारा नहीं ले रहा, ए ए बनाने का तरीका, ए ए बनाने का तरीका है सर कैपिटल बी, और एस ए बनाने का कोई तरीका नहीं है, बी ए बनाने का तरीका है ए। तो फाइनली बी और ए दो वैल्यू आपको मिलने वाले हैं। बात समझ आ रही है? फाइनली वो समय आ गया जिसका हम सबको इंतजार था, क्योंकि अब हम आखिरी सेल फिल करेंगे, है ना। उसी के साथ ये स्ट्रक्चर काइंड ऑफ हमारा हो जाएगा कंप्लीट, और अगेन ऊपर से नीचे आने का और डायगनली ऊपर जाने का। तो चलिए बताइए, जरा पेयर बताइए। सबसे पहले बी बी एक पेयर बनेगा, बी ए एक पेयर बनेगा, उसके बाद ए ए एक पेयर बनेगा, उसके बाद एस ए एक पेयर बनेगा, उसके बाद ए ए हो चुका है, एस ए हो चुका है और बी ए भी हो चुका है, कोई नया पेयर लेने की जरूरत नहीं है। ये चार पेयर आएंगे अलग अलग, चेक करना स्टार्ट करिए। बी बी अगर आपके पास है तो वो बनेगा एस से, बी ए अगर हमारे पास है बी ए, बी ए बी ए बी ए बनेगा ए से, बी ए बनेगा ए से, ए ए बनेगा बी से। बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं, तीनों वैल्यू आ रही हैं, एस भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। यस, खैर हमें जो चेक करना था वो सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो मैट्रिसेस है क्या इसके आखिरी सेल में कैपिटल एस आया कि नहीं आया, स्टार्ट सिंबल आया कि नहीं आया, क्या इस ग्रामर के आखिरी सेल में स्टार्ट सिंबल है। जी हाँ, अगर स्टार्ट सिंबल है सर, मुबारक हो, W2 is a member of the language defined or represented by this grammar. This is true. Exam में क्या ये question आपसे पूछेगा? आज तक तो पूछा नहीं, पूछना चाहिए भी नहीं। लास्ट सेल कैसे फिल हुआ? जैसे सेकंड लास्ट हुआ, जैसे थर्ड लास्ट हुआ, जैसे फोर्थ लास्ट हुआ, ऐसे ही लास्ट हुआ। उसके लिए कोई अलग, कोई डिफरेंट, कोई कोई और मैकेनिज्म मैं नहीं लेके आया। अच्छा, अब आप समझ पा रहे हैं कि मैं W3 पे क्यों नहीं गया, मुझे बताइए। है तो ये मेरी मेरी सलामती के लिए था कि आपके लिए था, आपकी आपका शुभ चिंतक मैं हूं, इस वजह से मैं आपको W3 पे नहीं लेके गया। यस, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मिल जाता अगर W3 पे आप चले गए होते तो। बिल्कुल सही बात है। एकरमैन याद आ गया। ये भगवान, सुबह सुबह एकरमैन जैसे फंक्शन का नाम नहीं लेते भाई। चलिए खैर। तो मुझे बताइए, ये जो आइडिया हमने पढ़ा, क्या ये आइडिया ये समझने के लिए पढ़ा कि एल्गोरिथम आपको चार बार लगाना पड़ेगा? नहीं, ये आइडिया सिर्फ ये समझाने के लिए पढ़ा कि अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है सर, क्या उसको मिनिमाइज करना पॉसिबल है? हाँ। उसके बाद क्या उसको CNF के अंदर, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CNF के अंदर ट्रांसलेट करना पॉसिबल है? जी हाँ। Yes? तो अब बस, अच्छा ये एल्गोरिथम क्या कभी भी अप्लाइड है? नहीं सर, मैं बता दूं, ये एल्गोरिथम लगाने की व्यवस्था सिर्फ तब हो सकती है जब ग्रामर पहले मिनिमाइज्ड हो, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड हो, वो भी सिर्फ CNF के अंदर। गौर करिए इस बात पे, ये एल्गोरिथम एप्लीकेबल सिर्फ तब है जब ग्रामर मिनिमाइज्ड और नॉर्मलाइज्ड दोनों हो, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी डिसाइडेबल है, इसके लिए एल्गोरिथम लिखा जा सकता है। और जैसा कुछ लोग बोल रहे थे, इस एल्गोरिथम को बोलते हैं CY की एल्गोरिथम। यस, तो ना मुझे इसके डेप्थ में जाना ना आइडिया है CY के, ये कुछ विकिपीडिया से मैंने टर्म्स लिए हैं CY के। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मिला के इस एल्गोरिथम को लिखा गया है, और द स्टैंडर्ड CY के ऑपरेट्स ओनली ऑन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन इन नॉर्मल फॉर्मल फॉर्म, हाउएवर ट्रांसफॉर्म टू ग्रामर दिस 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 1997। आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे, इस फील्ड के अंदर आप में से कुछ कोई ऐसे हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से पहले की हो? एक दो कोई ऐसा है?
अबे यार चलो मैं हूँ फिर, और क्या बोलूँ, बेइज्जती का तमाचा सुबह सुबह मैं हूँ भाई, है ना। तो बस ये बताना चाह रहा था कि ये एल्गोरिथम बहुत पुराने नहीं है, ऐसा नहीं 18th सेंचुरी में ही आ गया था, अभी रिसेंटली काम हो रहा है इनके ऊपर। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। गेट वालों को ये चीजें इतनी हाई, इतनी हिट नहीं देती, नेटवेट में कभी पूछ लेता, 2013 में अचानक पूछ लिया था कि यू नो हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड कि मेंबरशिप प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, तो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सीवाई के एल्गोरिथम यू कैन से डी इज द करेक्ट आंसर, लेंथ जो है उसका क्यूब। फॉलो कर पा रहे हैं? खैर, तो अगेन कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, क्या ये पांच की पांच प्रॉपर्टी डिसाइडेबल है? हाँ बिल्कुल, आप कर ही लेते, कोई टेंशन नहीं। क्या ये पांच की पांच प्रॉपर्टी डिसाइडेबल है, ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? हाँ, तो मैं आपको याद दिला दूं, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो, हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं, याद दिलाओ जरा कि चल क्या रहा है। ये पार्सर पढ़ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले हम कंपाइलर पढ़ रहे हैं, और कंपाइलर के अंदर फेज टू यानी कि पार्सिंग हम कर रहे थे, और पार्सिंग तो अभी करना हमने शुरू भी कर दिया कि नहीं? ना 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 ना, पार्सिंग करना तो सर अभी शुरू भी नहीं किया, अभी तो हम पार्सिंग करने की प्रिपरेशन कर रहे थे, इजंट इट? बिल्कुल, और वो प्रिपरेशन थी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ थोड़ा समय बिताना, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना। सही बात है? ओके, और बहुत सारा समय हमने बिताया है, पहले ग्रामर को समझा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है, लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है, ग्रामर से लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना, उसको पहचानना, उसके बाद एम्बिग्यूटी क्या है उसको पहचानना, उसके बाद नॉन डिटरमिनिज्म क्या है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या है, यूजलेस सिंबल एलिमिनेशन, सिंप्लीफिकेशन क्या, उसका डिसाइडेबल प्रॉपर्टी, ये सब काम हम कर चुके हैं, हाँ के ना? हाँ, ओके। तो अब मैं फाइनली बात स्टार्ट करता हूं सिंटेक्स एनालिसिस की, यानी के पार्सिंग की। एक बार अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन आने की कितनी बोलूं 101% प्रोबेबिलिटी है, 100% यहां से क्वेश्चन आने ही आना है, ना 100 बोलूंगा। सिंटेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आए कंपाइलर एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता, सर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यस, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा आपको याद दिला देता हूं, हालांकि फंडामेंटल आइडिया आपको पता है, सिंटेक्स एनालिसिस या सिंटेक्स एनालिसिस कौन करता है, सिंटेक्स एनालाइजर, जिसको हम प्यार से पार्सर भी बोलते हैं, ये बात याद है आपको, सिंटेक्स एनालाइजर को प्यार से पार्सर भी बोलते हैं, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं। हालांकि स्टेप नंबर टू में पार्सर का इनपुट क्या होता है, इनपुट टू अ पार्सर इज अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, बैक टू बैक, एक के बाद एक टोकन देगा, टोकन कौन देगा आपको, टोकन देगा सर लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर आपको टोकन देगा, और इसने लिख दिया रेस्ट ऑफ फ्रेंड, एंड आप यहाँ पे चाहो तो सिमेंटिक एनालिसिस भी लिख सकते हो, आप एक पार्स ट्री बना के, किसको दोगे, सिमेंटिक एनालाइजर को, सही बात है कि नहीं? यस, तो इनपुट मिलेगा टोकन और आउटपुट होगा ट्री, अब टोकन से ट्री बनाएंगे ग्रामर का इस्तेमाल करके, यही पूरी प्रोसेस पार्सिंग कहलाती है, और यही मैं ऊपर लिखता हूं, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री और डेरिवेशन ट्री इज कॉल्ड पार्सिंग। अभी फिलहाल इन तीनों शब्दों में कोई खास भेद नहीं है, तो कोई कुछ भी बोल ले आपको कंफ्यूज नहीं होना, पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री और डेरिवेशन ट्री। यस, ओके, मैं लिखता हूं, फॉर एनी इनपुट स्ट्रिंग विच इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स फॉर द पार्सर, इफ द डेरिवेशन ट्री एग्जिस्ट देन द इनपुट इज सिंटैटिकली और ग्रामेटिकली करेक्ट। अब ये ट्री हम बना क्यों रहे हैं, अगर हम ट्री बना पाए इसका मतलब क्या होगा बताओ, अगर हम ट्री बना पाए,
सर अगर हम ट्री बना पाए तो इसका मतलब होगा कि ग्रामर के उस स्ट्रिंग के अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली वो सही है। और क्या हर बार ट्री बनेगा? नहीं। अगर ट्री नहीं बना, इसका मतलब दिस सम काइंड ऑफ अ ग्रामेटिकल एरर, इसी वजह से ट्री नहीं बना। कॉन्फिडेंस देखिएगा, क्या अगर ट्री नहीं बना तो हम ये बोलेंगे कि यार शायद बन सकता हो सकता है हम ना बना पा रहे हो? बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ना 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 ना। तो यस यस, हमें इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि अगर हमसे ट्री नहीं बना, अगर हमसे ट्री नहीं बना तो इट मींस कि ट्री बन ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस की बात है। मुझे पता नहीं इसको आप कितना फील कर पा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस की बात है कि हमसे ट्री नहीं बना तो सर बन ही नहीं सकता, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस तरह के एल्गोरिथम हम बनाने हैं। इफ द पार्सर कैन नॉट जनरेट द डेरिवेशन ट्री फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग, देन देयर मस्ट बी सम ग्रामेटिकल मिस्टेक इन द स्ट्रिंग। 100% कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वरना तो हमने बना ही दिया होता। ऑब्जर्व कर पा रहे इस बात को? अब ये ट्री बनाने के क्या तरीके हैं सर, इसको दो बड़े आइडियाज में मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। दो टाइप के पार्सर्स, दो टाइप के सिंटेक एनालाइजर्स पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। पहला कहलाता है टॉप डाउन पार्सर, दूसरा होता है बॉटम अप पार्सर। वैसे मैं आपको बताऊं, टॉप डाउन और बॉटम अप वो फंडामेंटल अप्रोच है कि सीएस वाले आपको ये हर सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं। कहीं भी देख लो, एक पढ़ा देंगे टॉप डाउन, एक पढ़ा देंगे बॉटम अप। वो तो इनका मन नहीं, वरना लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी पढ़ा दे। यस, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, और ज्यादातर ये बातें खैर बड़ी मजेदार हैं। जब आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है ना, मान लीजिए आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एग्जाम की बात नहीं करते यार। चलो मान लो आपके घर में एक शादी है, आपकी नहीं है, आप खुश मत होइएगा, आपके घर में एक शादी है, आपके किसी बड़े भाई बहन की शादी है, आपका कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, तो मान लीजिए ताऊ चाचा मामा मामी किसी के भी बड़े बच्चे की शादी है, आपके किसी बड़े सिबलिंग की शादी है, यस, क्या उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी? हाँ। तो अब आप मुझे बताओ, या पहले मैं आपसे पूछता हूं, मैं बता नहीं रहा, मैं पूछता हूं। एक दिन, अब हर घर की खैर व्यवस्था अलग अलग होती है, बट मान लीजिए इस घर की व्यवस्था ऐसी है कि हर किसी की राय ली जाती है। तो एक दिन एक मीटिंग हुई, पूरी प्रॉब्लम डिफाइन करी गई कि भाई साहब शादी करनी है। उस शादी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, डेट तय कर ली गई, बजट तय कर लिया गया कितना खर्चा होगा, उसके बाद मेहमानों की लिस्ट बनाई गई, रिक्वायरमेंट्स तय की गई। अब उस डेट के हिसाब से वेन्यू डिसाइड करना है, बजट भी मैच करना चाहिए, उसके बाद जो कुछ खरीदारी करनी है, हलवाई बुक करना पड़ेगा, अभी तो 50 लोग ही आएंगे तो किसका नाम आएगा, किसका नाम कटेगा, वो सब डिसाइड करना है ना। और सोच लीजिए कितने भी डिपार्टमेंट है, ढोलक वाला बुक करना पड़ेगा, मेहंदी वाला बुक करना पड़ेगा, उस दिन के लिए 2-3 टैक्सी बुक करनी पड़ेंगी, बाकी खाने पीने का काम तो वेंकटाल वाला देख लेगा, घर की सजावट के लिए थोड़ा बहुत अगर आप चाहेंगे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हाँ घोड़ी बुक करनी पड़ेगी, बैंड वाले बुक करने पड़ेंगे, बस बहुत सारा डिपार्टमेंट ये है। और कपड़े खरीदारी करना पड़ेगा, यह सबसे बोरिंग फ्रस्ट्रेटिंग काम है, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, सही बात है, लेने देने के कपड़े भी देने पड़ेंगे, चाची को साड़ी देनी है ना, चाची नाराज हो जाएंगी, है ना, ले देने कपड़े देने हैं, उसके बाद लिस्ट बना के ये चेक करना है कि चाची तो चलो घर की सदस्य हो गई, पड़ोस की आंटी जब हमारे आई थी तो कितने रुपए लेके आई थी, फिर उनका लिफाफा उस हिसाब से बनाना है, वो कॉपी एक घर में मेंटेन होती है, याद है ना आपको। अच्छा, अरे यार मैं मेहंदी वाला भूल गया, मेहंदी वाला बुक करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट पे फिर बड़ी दिक्कत होती है, कलेश मचता है। अगर इन्वर्टर या लाइट की समस्या, एक जनरेटर वाला भी ले लो भाई, एक जनरेटर और लगा लो, लास्ट में दिक्कत होगी। फोटोग्राफर, ओहो मेकअप, करेक्ट, एक अगर हम लड़की वाले हैं तो फिर एक मेकअप वाली बुक करो जो सुबह 7 बजे आ जाए भाई अपनी टीम के साथ, वरना बाद में बड़ा कलेश मचता है। यस, बस अब आप समझ गए। तो डू यू अंडरस्टैंड कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है? हाँ, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अब ये जो आपने किया
है ना। अच्छा, क्या ये सारा काम किसी एक को करने की जरूरत है? नहीं, इसमें अब डिपार्टमेंट बांटे जा सकते हैं, इजेंट इट, डिपार्टमेंट बांटे जा सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए घर की दो तीन बड़ी महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है, भाई साहब इतना बजट है, इतनी साड़ी लेके आनी, जाओ लेके आओ। आप लेके आओगे फिर उसमें कीड़े निकलेंगे बाद में, कहते इसका रंग ऐसा, इसका फला ऐसा, तो वो साड़ी लेके आ जाओ, उनके ऊपर चिट लगा के रख दो, तो बाद में वो ड्रामा मत करना ऑन द स्पॉट, जी आपको पसंद, भाई पसंद आई नहीं आई, लेनी पड़ेगी, चिट लगा के रखी है हमने, मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, आपको क्या लग रहा है ये सब काम किए मैंने, तो चिट लगा के रख दो, बात खत्म। उसके बाद हर नेक टेले का एक पैकेट बना के रख दो पहले से, भात में क्या क्या चाहिए, मेहंदी पे क्या चाहिए, हल्दी पे क्या चाहिए, बाद में पंडित दिमाग खराब करता है, तो एक पैकेट बना के रख दो। उसके बाद किस समय क्या कपड़े चाहिए, पूरा लिफाफे के साथ, उसमें रुमाल से लेके जुराब तक सब कुछ होना चाहिए, बाद में ये नहीं मिल रहा और वे ढूंढ रहे हैं और ये सब। बस बहुत बढ़िया, तो ये जब आप पूरी लिस्ट बनाएंगे ऊपर से नीचे तक, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोलते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। पहले आपने पैरेंट प्रॉब्लम समझा, फिर आपने उसको डिवाइड किया, फिर आप उसको तब तक डिवाइड करते गए जब तक एक-एक छोटी सब प्रॉब्लम आपको नहीं मिल गई। मैं कम से कम ऐसे तो देखो बहुत सारी, बट चार पांच शादी तो ऐसी हैं जो बहुत गहनता से मैं ऑर्गेनाइज करने में मदद कर चुका हूं, इजंट इट। एक्सपीरियंस तो अपनी का तो एक को ही है, अपनी शादी में आदमी चिल होता है, इजंट इट, अपनी शादी में इतना काम नहीं करना पड़ता है ना। देखिए दो बातें, अपनी शादी में काम नहीं करना पड़ता और अपनी शादी में आदमी कभी खा नहीं पाता है, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। तो जो खाने पीने की मजे लेने आप दूसरे की शादी में लो, अपनी शादी में आप खा नहीं पाओगे, बाद में लोग आके बताएंगे यार तुम्हारी शादी में ये बहुत अच्छा था, फिर सोचोगे अच्छा हमें दिया ही नहीं किसी ने। खैर कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताओ क्यों नहीं खाते? सलोनी लिपस्टिक खराब हो जाएगी भाई, इतना महंगा मेकअप कराया, वहां खाना खाने जाओगे तो कैसे होगा? सोचो, अब सलोनी पूछे तो सलोनी के हिसाब से आंसर करूंगा ना। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे दूल्हे देखे हैं जो मेकअप करा के भी जाते हैं, आप कुछ बहुत अजीब नहीं सुन रहे हैं, है ना, और बाकी ऊपर वाले का करम है। आपको लगता है भाई को कोई मेकअप वेकअप की जरूरत है? भाई साहब 100 ग्राम पानी बहुत है, एक कपड़ा दे दीजिए, मुंह पूछ के पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो अब दोबारा मुद्दे वापस आते हैं, हमारे एजेंडा से हम मिस हो जाएंगे वरना। अब आपको क्या समझना है, अब आपको क्या समझना है, समझना ये है, ये टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या है? बॉटम अप अप्रोच क्या है कि ये सब मत करो, ऐसा रैंडमली कोई भी प्रॉब्लम उठाओ सॉल्व करना शुरू करो, रैंडमली कोई प्रॉब्लम, चलो आज इसको कर लिया, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, ऐसा करते 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 उल्टा जा रहे हैं, है ना। बाद में 10 दिन पहले पता लगा चार लोगों को तो कार्ड ही नहीं पहुंचा, ऐसा होता है कि नहीं? फिर उनको फोन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लिस्ट तो कोई बनी नहीं थी, ऐसे रैंडमली उठा उठा के भेज रहे हैं, ये भी एक अप्रोच हो सकती है, इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। खर्चा ज्यादा हो गया, वो तो खैर होगा ही, इतना आप मान के चलो 10% 20% तो ऊपर होगा ही होगा, बट ये जो आइडिया है इसको अपन बोलते हैं बॉटम। कहने का मेरा मतलब क्या है, कभी कभी होता ही है कि प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उस केस में आप टॉप डाउन सोच ही नहीं सकते। जैसा मैं आपसे पूछूं, आप गेट की जो तैयारी करते हैं वो टॉप डाउन में करते हैं कि बॉटम अप में करते हैं? करना हर कोई टॉप डाउन चाहता है, बट वो धीरे धीरे बॉटम अप हो जाता है। पहले आप सोचोगे ये मेरा शेड्यूल है 6 महीने का, 1 महीने में ये करूंगा, अगले महीने में ये करूंगा, अगले महीने में ये करूंगा। बहुत सारे लोग तो टाइम टेबल पूरा लगा देते हैं सामने, उसका ये होगा ये होगा ये होगा, बट फिर होता ये है, एक सब्जेक्ट का वो चैप्टर पढ़ा है, फिर मन नहीं किया, फिर कुछ और पढ़ लिया, इसका रिविजन नहीं किया, इसके क्वेश्चन नहीं किए, इसके थ्योरी में प्रॉब्लम है, इसमें ये समस्या है,
और करते 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 एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते ये स्थिति बचती है, कुछ पता नहीं लगता कि क्या किया है क्या नहीं किया है, किसका रिवीजन, सब कंफ्यूजन, इजंट इट। तो ये है बॉटम अप अप्रोच। अगेन समझिए, बहुत सारी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, यस। अब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ले लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रोड्स का अच्छा नेटवर्क है कि नहीं है। अब कि अच्छे बुरे की वैसे देखिए परिभाषा तो होती नहीं, पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छा है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी बड़ी जनसंख्या, उस हिसाब से रोड्स बहुत कम है, इजंट इट। तो चलिए अब हम एक फैसला करते हैं कि हम रोड्स बनाना चालू करेंगे। हाँ, हम फैसला करते हैं रोड्स बनाना चालू करेंगे, बट आप मुझे बताओ क्या इस प्रॉब्लम को कोई टॉप डाउन सॉल्व कर सकता है? नहीं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ करना ये है, बस आप तो आंख बंद करके रोड बनाते जाओ। कोई बोल रहा है उस इलाके में रोड नहीं है, वहां पे रोड बनाओ, उधर नहीं है उधर बनाओ, और तब तक बनाते जाओ जब तक एक अच्छा रोड नेटवर्क ना मिल जाए। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? है ना, आमतौर पर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, बट रोड्स जो हैं वो इकोनॉमी के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट हैं? यस यस, है ना। जॉन एफ कैनेडी की एक बहुत मशहूर कोट है, उसने बोला था एक बार एक इंटरव्यू में, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका या अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो बात समझ आई क्या आपको? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका अमीर है इस वजह से सड़कें अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर हो गया है। तो आप सोचिए ज्यादातर केस में प्रॉब्लम क्या होता है, खासकर एक्सपोर्ट में, आप कोई भी अच्छे से अच्छा सामान बनाओ, मान लीजिए दिल्ली में बैठ के मैं कोई बहुत अच्छा आर्टिकल बना रहा हूं, प्लास्टिक की एक शीट बना रहा हूं, यस, लेकिन उस शीट को गुजरात के या महाराष्ट्र के या उड़ीसा के किसी बंदरगाह तक पहुंचाने में मेरा जो खर्चा हो रहा है, फिर उसे मैं अफ्रीका या अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो सारा का सारा पैसा तो वहीं खत्म हो जा रहा है, कमाऊंगा क्या? अगर मेरे पास अच्छी सड़कें हो, अच्छा रेल नेटवर्क हो, तो उसको पोर्ट तक पहुंचाना सस्ते में होगा, फिर आगे भी मैं उसे आगे लेके जा सकता हूं, इजंट इट? यस। तो रोड नेटवर्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोग सोचते नहीं है इससे जितना समय टाइम वेस्ट होता है, आज आप कोई चीज ऑर्डर करते हो बंबई से, तो उसको आने में लग रहा होता है मान ले 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं, अगर वही ऑर्डर 12 घंटे में आए तो बाय रोड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल की अपनी अलग प्रॉब्लम है, चलिए, बट अगेन मैं सिर्फ दोबारा मुद्दे पर आता हूं, तो आप ये समझ पा रहे हैं आमतौर पे अगर प्रॉब्लम थोड़ी सिंपल हो, ये कंक्लूजन क्या निकाला, हर सब्जेक्ट में ये कंक्लूजन है, अगर प्रॉब्लम थोड़ी सिंपल हो गो फॉर टॉप डाउन अप्रोच, isn't it? But अगर प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो या प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही हो, तो गो फॉर बॉटम अप अप्रोच, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ गो फॉर बॉटम अप। सेम आइडिया हम यहां यूज करेंगे, तो हम टॉप डाउन बॉटम अप दोनों पार्सर बनाएंगे। अब यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर का मतलब बताओ क्या होगा, वॉट इज टॉप डाउन पार्सर? टॉप डाउन पार्सर में हम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे और तब तक प्रोडक्शन यूज करते जाएंगे जब तक स्ट्रिंग हमें ना मिल जाए, दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन पार्सर। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस। ऑन द कॉन्ट्ररी रिवर्स फैशन, यानी कि टॉप बॉटम अप क्या होगा, मैं स्ट्रिंग से स्टार्ट करूंगा और वन बाय वन, वेरी गुड, वन बाय वन मैं सिंबल्स कंबाइन करते जाऊंगा और मैं तब तक कंबाइन करूंगा जब तक मुझे दोबारा स्टार्ट सिंबल ना मिल जाए। नाउ दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। तो ऊपर से नीचे की तरफ टॉप डाउन और नीचे से ऊपर की तरफ बॉटम अप, क्या बात समझ आती है? इस बात में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, वेरी गुड।
नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉप डाउन व्हाट इज बॉटम अप, और अब मैं ये पूरी फैमिली आपको दिखा सकता हूँ जिसमें सब कुछ पढ़ना है अपने को। तो देखिए इसमें अभी बहुत सारे सवाल मुझसे पूछिएगा, बस ये एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखा रहा हूँ। पार्सर दो तरह के होंगे, कौन कौन से, टॉप डाउन बॉटम अप। टॉप डाउन के अंदर दो फंडामेंटल टेक्निक्स हैं, एक है विदाउट बैक ट्रैकिंग, क्या मतलब इसका भी समझेंगे थोड़ी देर में, एक है विद बैक ट्रैकिंग। विदाउट बैक ट्रैकिंग एंड विद बैक ट्रैकिंग, इन बॉटम अप वी हैव अप्रोच कॉल्ड LR parsers, operant precedence तो पढ़ेंगे बट उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है LR parser। और LR parser के फर्दर चार टाइप है, LR0, SLR1, CLR1, LALR1, और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। यस बिल्कुल, हर किसी से क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं, और ये जो टॉप डाउन है उसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज LL1। तो इस सारी की सारी फिलॉसफी आइडिया हम पढ़ेंगे, बट अगेन क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, पहले हम डिस्कशन किस पर कंप्लीट करेंगे, टॉप डाउन। तो वील बी स्टार्टिंग विद टॉप डाउन पार्सिंग, और टॉप डाउन पार्सिंग को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं बॉटम अप पार्सिंग पे जाऊंगा। के बात समझ आती है आपको? ठीक है, यहां तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा एक बार दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बस वो समझ लेते हैं, जो मैं अभी आपको समझा रहा था वही आइडिया है। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड प्रोसेस टू चिल्ड्रन, रूट से स्टार्ट करके चिल्ड्रन तक जाना, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन पार्सिंग। दैट इज गेटिंग द इनपुट स्ट्रिंग बाय स्टार्टिंग विद द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर इज नोन एज और इज कॉल्ड टॉप डाउन पार्सिंग। तो सिंबल से स्टार्ट करके, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके स्ट्रिंग तक जाना, इसको हम टॉप डाउन पार्सिंग कहते हैं। आज सीओ कंप्लीट हो जाएगी, डिपेंड करता है सीओ लड़का है या लड़की है, अगर लड़की है तो हो जाएगी, लड़का है तो हो जाएगा। यस वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मैं यहां क्या बोल रहा था, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके अगर आप नीचे तक जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट सिंबल इफ यू गो डाउन, देन दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन पार्सिंग। ये हम खैर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज, टॉप डाउन पार्सर्स कौन सा डेरिवेशन यूज करते हैं। अब ये तैयारी है जो हम करके आए हैं, हमें पता है ये क्या कहानी है। टॉप डाउन पार्सर यूज करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। आपको पता है व्हाट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन? किसी भी सेंटेंशियल फॉर्म पे हम किसी भी नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड नहीं करेंगे, जो नॉन टर्मिनल एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, जो नॉन टर्मिनल एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा हम हमेशा उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो आगे जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। तो मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है किसी समय, Excuse me. तो क्या आप B का प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं कि आपको पहले A ही एक्सपेंड करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी चल रहा है, यू ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहता है पहले A को कंप्लीट करो, उसके बाद B पर जाने का है ना। अब देखिए अगेन अगला एडवांटेज जो डायरेक्टली आपको पता है, क्लियर कट लिख रहा है, टॉप डाउन पार्सिंग इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ ग्रामर इफ इट इज फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन एंड एम्बिग्युटी। लो ये बात तो यही खत्म हो गई। कह रहा है कि क्या दोनों चीजें आपने पहले से पढ़ी है? हाँ। कह रहा है टॉप डाउन पार्सर सिर्फ तब बनाया जा सकता है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड, अगर अगर लेफ्ट रिकर्शन और एम्बिग्युटी का प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं इस ग्रामर के लिए टॉप डाउन पार्सर बनाएंगे, कैसे बनेगा इस ग्रामर के लिए टॉप डाउन पार्सर बनाएंगे कैसे बनेगा, तो क्या जवाब दोगे? नहीं बनेगा, कोशिश कर लो, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें लेफ्ट रिकर्शन है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। इस ग्रामर के लिए इसके लिए तो
बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें तो डबल प्रॉब्लम है, लेफ्ट रिकर्शन भी है और एम्बिग्यूटी भी है। अच्छा अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, जितना बोला जाए जितना पूछा जाए बस उतना करने का। क्या मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि पहले इस ग्रामर से लेफ्ट रिकर्शन हटाओ फिर पार्सर बनाओ? मैंने ऐसा कब बोला? ना सर, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं। इसके लिए बन सकता है तो बनाओ, तो हाँ करो, नहीं बन सकता है तो ना करो, बात खत्म। ये बात समझ आ रही है क्या? इसके आगे कुछ नहीं करना है इसमें। अगर बन सकता है तो बताओ, नहीं बन सकता तो बताओ, बस इतनी बात करनी है। तो ठीक है, लेफ्ट रिकर्शन एम्बिग्यूटी अगर कहीं भी है तो उसके लिए हम टॉप डाउन पार्सिंग नहीं कर सकते। ओके, दो तीन इंपॉर्टेंट और पॉइंट हमें समझने हैं। लेफ्ट फैक्टरिंग याद है, डिटरमिनिज्म नॉन डिटरमिनिज्म, तो उस पर भी ऑब्जर्व करेंगे। बट यहां मैं क्लियर कट लिखता हूं कि अगर डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं भी है, क्या दोनों के लिए बनाया जा सकता है? कॉमन प्रिफिक्स वाली गानी, हाँ बनाया जा सकता है। बट उसमें क्या है, इफ अ ग्रामर इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक देन ब्रूट फोर्स टेक्निक, और अगर डिटर्मिनिस्टिक है देन हम प्रिडिक्टिव यानी कि LL1 पार्सर पे जा सकते हैं। ब्रूट फोर्स मतलब, ये बोल दो स्टाइलिश भाषा में, ब्रूट फोर्स मतलब तुक्के मारना। यस, तो अगली बार जब कोई टीचर आपको बोले मुझे छोड़ के, है ना, कोई टीचर आपको बोले कि तुक्के मार रहे हो क्या, नहीं सर मैं ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज कर रहा हूं, ऐसा मत बोलना तुक्के मार रहे हैं। सर राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम, तो मैं ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज किया। ब्रूट फोर्स का मतलब ही है तुक्के मारना। तब तक कोशिश करते रहना जब तक आंसर ना मिल जाए। अब मैंने पहले ही बता दिया मुझे छोड़ के, कभी मेरा हथियार मेरे पे ही चला दो। ओके, मुझे याद नहीं, शायद हाँ एक एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर। बाद में खैर उसका नाम भस्मासुर पड़ा। शंकर भगवान की उसने तपस्या की और भगवान खुश हो गए। फिर भगवान से उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले भंडारी उनका नाम है, खुश थे, उन्होंने कहा तथास्तु। अब भाई का स्वैग देखो, भगवान के पीछे ही भाग लिया, कहता हूं पहले तुम्हें भस्म करूंगा। अब भगवान आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। तो ऐसा ना हो कि आप मुझे ही भस्म कर दो, मुझे मत करना भाई। अब फिर मुझे पता नहीं भाई आगे कहानी में क्या हुआ। अच्छा ये बता रहे, संचित बता रहे कि भगवान फिर गुफा में छुप गए थे। ये लो, ये जितने भी फिर क्लासिक गेम होते हैं, विष्णु भगवान आते, कह रहे हैं कि उसको डांस करा के उसका हाथ उसी के सिर पे रखा दिया। ऐसा मैं नाचू मोरनी बन के, वो खुद ही मोरनी बन गया। फिर देख रहे हो दिमाग, देख रहे हो लोगों का। चलिए वापस आते हैं, खुद ही भस्म हो गया। ओहो ना, टॉप डाउन पार्सेस कंसेप्ट। अच्छा तो ये बात आपको याद रहेगी क्या, इसका मतलब डिटर्मिनिस्टिक भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिटर्मिनिस्टिक भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिटर्मिनिस्टिक भी होना चाहिए। नहीं, सुनो, डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, बिकॉज अगर डिटर्मिनिस्टिक नहीं है तो कह रहा मैं ब्रूट फोर्स यूज करूंगा। अब ब्रूट फोर्स कोई टेक्निक होती है क्या भाई? तुक्के मारते रहोगे बैठ के, ये कोई पार्सर हुआ? नहीं, पार्सर तो जब होगा जब हम LL1 बनाएंगे, जब हम प्रिडिक्टिव पार्सर यूज करेंगे। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी शक्ल देखो। अगर मेरे को नीचे जाने का, तो एम्बिग्यूटी होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। और लेफ्ट रिकर्शन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इसके आगे मैं बोल रहा हूँ, अगर इधर आना है तो डिटर्मिनिज्म भी होना चाहिए, इधर नॉन डिटर्मिनिस्टिक चलेगा। बट क्या कोई लेफ्ट हैंड साइड पे जाना चाहता है? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद अ पार्सर विच सेज ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब है कोई टेक्निक ही नहीं है, तुक्के मारना है बैठ बैठ के, वो नहीं करना हमें। हमें LL1 बनाना है, और सर LL1 बनाना है तो डिटर्मिनिज्म भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये बात अभी समझ आ रही है क्या? ओके, तो सर जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जब आगे प्रोसेस करेंगे तो और क्लियरिटी से आप समझेंगे। द टॉप डाउन कंस्ट्रक्टेड फॉर अ ग्रामर इफ इट इफ दिस इज लेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आर्ग्यूमेंट मैं पहले कर चुका हूं आपसे।
अगर कॉम्प्लेक्सिटी ग्रामर की ज्यादा होगी तो फिर ये मैकेनिज्म स्लो भी हो जाता है, परफॉर्मेंस खराब होती है। उस केस में क्या एडवाइजेबल है बताओ जरा, अगर ग्रामर कॉम्प्लेक्स है तो क्या एडवाइजेबल अप्रोच है, तब टॉप डाउन या बॉटम अप? वेरी गुड, उस केस में आपको बॉटम अप पे जाना है। वैसे मैं क्लियर कर दूं, जितने भी प्रोफेशनल पार्सर्स हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, जावा, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल, कुछ भी, ये सब के सब कौन है, टॉप डाउन है कि बॉटम अप है? ऑल ऑफ देम आर बॉटम अप पार्सर्स। तो मेन कहानी तो बॉटम अप की है। खैर, यहां पर पहले कंक्लूड कर रहे हैं कि टॉप डाउन की एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन रेस टू पावर 4। तो इसका मतलब आपको हिंट दे रहा है, ये आसान काम है कि इसमें अच्छी खासी मेहनत लगेगी। एन रेस टू पावर 4 पे जा रहा है, अच्छी खासी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले जस्ट कहानी इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं बात कर लेता हूँ ब्रूट फोर्स टेक्निक की। व्हाट इज ब्रूट फोर्स टेक्निक, बल्कि बात क्या करनी, इस्तेमाल करके देखते हैं। ये ग्रामर देखिए, दो स्ट्रिंग W1 W2 आपके पास है, बताइए कौन से स्ट्रिंग मेंबर है कौन से स्ट्रिंग मेंबर नहीं है। W1 मेंबर है। ओके, इस केस पे आना जरा, मैं अगले केस पे भी लेके जाना चाहता हूं। दिस वन इधर बताना, ये ADDC ये मेंबर है क्या? ओके ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन। देखिए, अगर इसे से शुरू करूं, सबसे पहले स्टार्ट सिंबल S, स्टार्ट सिंबल से पहला चॉइस, एंड देन ए का पहला प्रोडक्शन, स्ट्रिंग बना ABC, वैलिड है कि इनवैलिड है? मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए ADDC, नहीं मजा नहीं आया। तो नाउ लुक एट दिस, मैं बैक ट्रैक करूंगा और मैं जाके ए से पूछूंगा कोई और ऑप्शन है, एक आएगा हाँ एक ऑप्शन और है, तो दिस टाइम आई विल चूज अनदर ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज स्मॉल सी। वेरी गुड, बट इस बार बना ACC, ACC अंबुजा सीमेंट बन गया, बट क्या ये चाहिए था? नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। तो आई विल गो बैक, ए से बोलूंगा कोई और ऑप्शन, ए मना करेगा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं लेट मी गो बैक, मैं एस से पूछूंगा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, एस बोलेगा हाँ एक ऑप्शन और है, तो लेट मी गो विद एस एंड दिस टाइम लेट मी चूज अनदर ऑप्शन। नाउ आई विल आस्क बी, बी बोलेगा CCD, क्या बात है, अभी ACC बना अभी CCD बन गया। आप मुझे बताओ क्या ये पैटर्न चाहिए था? नहीं, अगेन विल गो बैक टू बी, बोलेंगे कोई और ऑप्शन है क्या भैया, कुछ और दिखाओ, कहेगा हाँ एक ऑप्शन और है सर। तो अब मैं गया बी के पास और बी बोलेगा अगला ऑप्शन है DDC, हाँ ये हमें चाहिए ADDC, काम हो गया। बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगर सारे के सारे मैं ऑप्शन एग्जॉस्ट करता और फिर भी स्ट्रिंग ना बना पाता तो मैं कंक्लूड कर देता दैट द स्ट्रिंग इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यस, लेकिन यहां पर क्या बैक ट्रैकिंग का लाइव एग्जाम्पल देखा आपने? हाँ, तो दैट इज वॉट बैक ट्रैकिंग इज। तो बेसिकली तुक्के ही तो मार रहे, एक प्रोडक्शन ट्राई करते हैं, अगर बनता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता तो फिर कुछ और ट्राई करते हैं, फिर कुछ और ट्राई करते हैं, और यही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को? क्लियर है बात?
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सर यही आइडिया है बैक ट्रैकिंग का। तो अब मैं भाई, किसी ने पीडीएफ एडिट, एक और है वो, क्या नाम है, स्मार्ट पीडीएफ। अच्छा, आई लव पीडीएफ, ठीक है, काफी लोग कर रहे, फिर सही है। ओके ना, जरा मैं इसको पढ़ लेता हूँ, जरा मैं इस स्मॉल पीडीएफ, ओके मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है, व्हेन एवर अ नॉन टर्मिनल इज एक्सपेंडिंग फर्स्ट टाइम, देन वी गो विद द फर्स्ट अल्टरनेटिव एंड कंपेयर विद द इनपुट स्ट्रिंग। इफ डज नॉट मैच, देन गो फॉर द सेकेंड अल्टरनेटिव, कंपेयर विद द इनपुट स्ट्रिंग। इफ डज नॉट मैच, देन गो विद द थर्ड अल्टरनेटिव एंड कंटिन्यू विद ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। तब तक कोशिश करने का जब तक मैच ना हो। इफ मैचिंग इज अकर्स फॉर एटलीस्ट वन अल्टरनेटिव, देन पार्सिंग इज सक्सेसफुल, अदरवाइज पार्सिंग फेल। बताइए, अगर एक बार भी मैच होता है तो पार्सिंग सक्सेसफुल होगा, वरना पार्सिंग फेल हो जाएगा। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस ओके ओके वेरी गुड, ये आपने समझ लिया। मैं कुछ कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ, जरा तीनों पॉइंट पढ़ना, बताओ सही है कि गलत है। पार्सिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैक ट्रैकिंग, टेक्स टाइम ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n। पार्सर बैक ट्रैकिंग इज वेरी कॉस्टली एंड रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ पार्सर, डीबगिंग इज वेरी डिफिकल्ट। फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये सब की सब मैं सर इसकी तारीफ कर रहा हूं कि बुराई कर रहा हूं? इसकी बुराई कर रहा हूं। तो इसका मतलब रैंडम आप एग्जांपल से खेल रहे तो अलग बात है, लेकिन अगर अच्छे पैटर्न पे काम कर रहे हैं तो ये टेक्निक आपका साथ नहीं देगी। तब तो आपको प्रॉपर प्रिडिक्टिव पार्सिंग करनी ही पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ, और उस प्रॉपर प्रिडिक्टिव पार्सिंग का नाम है LL1, LL1 पार्सिंग। लेकिन अब समझिएगा कहानी, क्या LL1 पार्सिंग करने के लिए एक और छोटी सी ट्रेनिंग की जरूरत है आपको? जी हाँ, क्योंकि फिर इन बिटवीन कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो बाद में आपको परेशान करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और उस ट्रेनिंग का नाम है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, उस ट्रेनिंग का नाम है फर्स्ट और फॉलो निकालना। जब तक फर्स्ट और फॉलो नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं समझ आएगी। और फर्स्ट और फॉलो निकालना बहुत शानदार तरीके से आपको सिखाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले नाम चौमस्की का फोन मेरे पास आया था, बोल रहे संचित इस ग्रामर में फर्स्ट नहीं निकाल पा रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं। बाद में बोले फिर, अरे ये तो बहुत आसान था। ओके ओके, तो लेट मी स्टार्ट डायरेक्टली गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट क्या है पहले ये बताना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। देखिए इस बात को ऐसे समझिए, हमारे पास, हमें जो करना है, क्या हमें प्रिडिक्टिव पार्सिंग करनी है? हमें जो करना है क्या हमें प्रिडिक्टिव पार्सिंग करनी है, मुझे बताएं, यस और नो? यस। क्या हम बैक ट्रैक करेंगे? नो नो, कभी नहीं। किसी भी स्टेज पे जाके अगर हमें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला तो क्या हम ये मानेंगे हमारी गलती, हमें फिर से चेक करने दो, या हम मानेंगे नहीं स्ट्रिंग ही गड़बड़ है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये ऐसे ही होगा? तो बैक ट्रैक का सर ऑप्शन नहीं है, बैक ट्रैक का ऑप्शन नहीं, नहीं ग्रामर की गलती नहीं है, स्ट्रिंग बनाने वाले की गलती है। हम ये मानेंगे स्ट्रिंग जो है वो गड़बड़ बनाई गई है, इस ग्रामर से ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगी। सही बात, यस। तो अब मैं काम करता हूं सर, CNF भी नॉम चोमस्की ने बनाया,
मुझे बताओ सुबीर, उसका उस नॉर्मल फॉर्म का नाम है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, क्यों रखा होगा? अच्छा बात आपकी सही है, ऐसा कर सकते हैं, बट आम तौर पे जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है बड़ी ग्रीडी होती है। ऐसा होता है कि जो भी आप चीज बनाते हैं उसको के साथ अपना नाम एसोसिएट करेंगे या आप जिसको याद कर रहे हैं उसका। ज्यादातर लोग अपना ही नाम एसोसिएट करते हैं, इजंट इट? अब हर कोई इलॉन मस्क की तरह थोड़ी होगा, गाड़ी का नाम मस्क भी तो रख सकता ना, पर उसने टेस्ला रखा। सोचिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं और अल्टरनेटिंग करंट में, वैसा ही निकॉन टेस्ला को बहुत अंडररेटेड माना जाता है, तो उसने गाड़ी को नाम अपना ना देके टेस्ला का नाम दिया। चलिए खैर, निकॉन टेस्ला कौन थे? अरे आपको नहीं पता, निकॉन टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट बनाया था। एसी करंट के दो फॉर्मेट होते हैं ना, निकोला, यस, एसी और डीसी। तो ये बड़ी पॉपुलर फाइट है, इसके बारे में कभी आपको बताऊंगा। बेसिकली यस यस, एक थे टेस्ला और एक थे एडिसन। एडिसन ने बनाया था डायरेक्ट करंट डीसी, और टेस्ला को अच्छा लगता था एसी अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन इन दोनों में, अब ये बड़ा खैर कंट्रोवर्शियल है, बट ज्यादातर तो लोग मानते हैं आजकल के, कौन ज्यादा होशियार था, टेस्ला या एडिसन? ज्यादातर तो लोग मानते हैं टेस्ला वॉज वे अहेड। उसने ऐसे बहुत सारे काम किए थे जो अभी भी अपन नहीं सोच पा रहे हैं। यस, बट एडिसन वॉज वेल कनेक्टेड, एडिसन वॉज अ गुड अ गुड बिजनेसमैन। यस यस, अपने आइडिया को कैसे मार्केट करना है वो एडिसन को पता था। तो एडिसन ने खराब प्रोडक्ट को बेटर तरह से बेच के दिखाया, और उस समय सब लोग डीसी करंट ही यूज करते थे। यस, बट विथ टाइम वी रियलाइज कि शायद एसी बेटर है अल्टरनेटिंग करंट, बट तब तक ना एडिसन थे ना टेस्ला था, तो काइंड ऑफ अंडररेटेड। बाद में हमें समझ आएगी अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है। यस, तो खैर वो एक अलग बात है, और हो सकता है स्टार्टिंग में ये बात एडिसन को भी ना पता हो। यस, और वो अभी तक, ये बिल्कुल सही बात है, निकॉन टेस्ला, निकोला टेस्ला वाज आल्सो वर्किंग ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इजंट इट? हम जितनी पावर बनाते हैं उसमें से 30-40% ऑफ द पावर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस हो जाती है। सरकार को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं ये, इतने बड़े बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाना, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस करना, बहुत कॉस्टली काम है ये। ऑल्सो हैविंग एन आइडिया कि कैसे वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यस, बट खैर चलिए, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। हम दोबारा वापस आते हैं। आज सीए का वाइवा यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्या पूछ सकते हैं? ये तो मूड है टीचर का, सुबह उठ के वो एक दो पेज पढ़ेगा, अब उसने जो पढ़ लिया वही पूछेगा बस, Isn't it? सब कुछ नहीं पूछेंगे, जो वो पढ़ के आएंगे वो पूछेंगे। चलिए, वैसे ज्यादातर चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई वो इस काबिल है कि वाइवा तो आप पार कर ही लोगे, डोंट वरी। वरना देखो, कोई कुछ भी पूछे, कोई कुछ भी पूछे रैंडमली, चलो बताओ क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे रैंडमली बताओ। डीएम में पूछ लिया, चलो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ऐसे बोलना है, सर डीएम में एक बहुत बेटर तरीका है,
जिसको यूज करके हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस अच्छे से कर सकते हैं, पैरेलली कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना भी है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ठीक है अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट जब तक एक अच्छी लेवल की पाइपलाइनिंग ना हो तब तक प्रोसेसर का कैसे भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना एक मजाक ही है। तो पाइपलाइनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बस फिर चुप हो जाओ, फिर बोलेगा अच्छा बताना पाइपलाइनिंग क्या होती है, बस फिर चालू हो जाओ ऐसा, उसको उधर पकड़ के लाने का, isn't it? ये पूरी आर्ट होती है। इंटरव्यूअर को एक ऐसा क्लू बाद में देके छोड़ दो ताकि वो उधर परस्यू करे ही करे आपको। यस, 15 मिनट के बाद उनको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने वो पूछा जो मुझे पूछना था, लेकिन आपने उनको कंपेल कर दिया कि वो पूछे जो आप पढ़ के आए थे। यस, आपका कंपाइलर का वाइब है तो कोई भी पार्सर की बात करें तो विभोर अभी तक जो आपने पढ़ लिया आपको क्या बोलना है? सर ज्यादातर यू नो पार्सिंग जो है वो टॉप डाउन हो सकती है, बॉटम अप हो सकती है, बट हमें समझना ये है कि जो रियल आइडिया है वो दरअसल ग्रामर है। बहुत सारे लोग सर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की पावर नहीं समझते। अगर आपको ये नहीं पता कि लेफ्ट रिकर्शन का क्या मतलब है, अगर आप एम्बिग्यूटी नहीं समझते तो पार्सर पढ़ना एक बेईमानी है। क्या कहा? अच्छा बताना जरा क्या होता है। बस लपेट दो। चलिए तो अब मैं बात करता हूं फर्स्ट की कहानी, सुनिए फर्स्ट का क्या आइडिया है। मान लीजिए ऐसा करके कोई रैंडम स्ट्रिंग मेरे पास लिखा हुआ है और यहां पर आप गौर करें कि मेरे पास क्या सिंबल लिखा हुआ है, ए। भाई मैंने नहीं, ऐसा नहीं मैं नहीं जात की है, दुनिया ये टेक्निक यूज करती है। अच्छा ये तो वाइवाज है, आप नहीं समझे, ये वाइवाज है। जब आप बिजनेस करेंगे, जब आप बिजनेस करेंगे रियल दुनिया में ऑपरेशन करेंगे तो लोग आपका ध्यान भटकाएंगे नहीं क्या? घर में बहस करेंगे तो ये टेक्निक तो सब जगह यूज होंगी, बिना इनके कैसे जिंदा रहेंगे आप, है ना? अब आप बोलेंगे ये काम क्यों नहीं हुआ, वो बोलेगा सर बारिश हो रही है, वो अपना पॉइंट बोलेगा, अपना पॉइंट बोलोगे फिर उस पर बहस करोगे तो उसके चक्कर में रहोगे तो वो कभी करेगा ही नहीं ऐसे। चलिए अब देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि ए अब मुझे रीड करना है और मेरे पास जो सेंटेंशियल फॉर्म है वो फिलहाल ये लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मैं कर रहा हूं, मुझे पहला सिंबल ए चाहिए, इधर पहला सिंबल ए है, कोई तकलीफ है क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। आपके पास जो सेंटेंशियल फॉर्म है अगर उसका पहला सिंबल आपके रीड सिंबल से मैच कर रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है। यस और नो? यस, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी समस्या क्या आएगी, मान लीजिए प्रोडक्शन लिखा हुआ है ऐसे, अब फिलहाल एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है मुझे बताएं? एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा हुआ है कैपिटल। अब ये है नॉन टर्मिनल और ये है टर्मिनल। अब आप मुझे बताओ मुझे क्या इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे सोचना है कि क्या कैपिटल ए से स्मॉल ए बनाने का कोई तरीका होगा कि नहीं होगा? यस और नो, बस ये बताओ मुझे क्या सोचना है। इज इट पॉसिबल दैट इन द लॉन्ग रन आई कैन जनरेट स्मॉल ए विद कैपिटल ए? अच्छा कैपिटल ए की अपनी कहानी हो सकती है, अगर कैपिटल ए कुछ ऐसा बोले तो बहुत आसान बात हो गई। हाँ सर कैपिटल ए से स्मॉल ए बन रहा है, लेकिन मान लो कैपिटल ए आपको पहुंचा दे सी और डी पे और फिर सी के अपने प्रोडक्शन हो तो क्या ये पूरी चेन आपको परस्यू करनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि बैकट्रैक अपन कर नहीं सकते, है ना? वेरी गुड, तब समझिएगा इस बात को। फर्स्ट का मतलब क्या है पहले ये समझो। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि शॉर्ट्स में लिख रहा हूं एफ, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का फर्स्ट तो ए ही हो गया, इसमें कुछ करना है क्या? नहीं, टर्मिनल ही है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लू व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए बी सी, सर आंसर अभी भी ए है। क्लियर हो रही है बात सभी को? क्योंकि टर्मिनल क्या कभी भागते हैं, कभी अपना रंग बदलते हैं? नहीं, टर्मिनल तो टर्मिनल है। ओके,
लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा सर व्हाट इज फर्स्ट ऑफ कैपिटल, अब ये बात इतनी आसान नहीं है, आपको जाके एक एक प्रोडक्शन चेक करने पड़ेंगे, इजंट इट? आपको जाके एक एक प्रोडक्शन चेक करने पड़ेंगे और तब आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि यहां से टर्मिनल जनरेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, यानी कि यहां से स्मॉल ए मुझे मिल सकता है कि नहीं। क्या बात समझ आती है आपको? हाँ, अगर स्मॉल ए आपको मिला तो इसका मतलब ये प्रोडक्शन मेरे काम का होगा वरना नहीं होगा। तो अब मैं दो तीन बात कंक्लूड कर लेता हूं। क्या हम फर्स्ट कैपिटल और स्मॉल दोनों सिंबल्स के लिए निकाल सकते हैं? मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या हम फर्स्ट कैपिटल और स्मॉल दोनों सिंबल के लिए निकाल सकते हैं? हाँ, पर क्या हम दोनों के लिए निकालेंगे? नहीं, टर्मिनल का फर्स्ट या टर्मिनल स्ट्रिंग का फर्स्ट निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। फर्स्ट तो रियल मामले में जो काम आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनल के लिए, यस और नो? यस। अच्छा, अब मैं ऐसे बोल देता हूं अगर डायरेक्ट समझाने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ए का मतलब है मैं ये चेक करना चाहता हूं कि फ्यूचर में ए से जो जो प्रोडक्शन भी बनेंगे उसमें सबसे पहले, आगे कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, सबसे पहले कौन कौन से टर्मिनल्स आने की पॉसिबिलिटी है, यस और नो? इस ए से जो भी मैं प्रोडक्शन बनाऊंगा उसमें सबसे पहले कौन कौन से टर्मिनल आने की पॉसिबिलिटी है, और ये मुझे पहले से पता होना चाहिए क्योंकि इसी बेस पे तो मैं प्रोडक्शंस डिसाइड करूंगा, हाँ कि ना? हाँ, तभी मैं आपको बहुत ज्यादा फंसाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ बेसिक डेफिनेशन जरूर ऑब्जर्व करा सकता हूँ। अभी इसमें सब कुछ मत पढ़िएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बस ये लाइन पढ़िए और मुझे बताइए क्या समझते हैं। जस्ट एक लाइन पढ़िए, बाकी सब देखिएगा अभी मत वरना घबरा जाएंगे आप। बस ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया जाए इसको देखिए। अभी कराएंगे आपका वाइवा, डोंट वरी। ये बात समझ आ रही है? फर्स्ट ऑफ अल्फा इज अ सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स दैट मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंशियल फॉर्म डिराइव्ड फ्रॉम अल्फा। बताए रिलेट कर पा रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑफ अल्फा इज अ सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स दैट मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म डिराइव फ्रॉम अल्फा। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अल्फा से बनने वाले जो भी सेंटेंशियल फॉर्म होंगे उसमें सबसे स्टार्टिंग में जो टर्मिनल है उन सब की जो लिस्ट है वो फर्स्ट ऑफ अल्फा कहलाएगी, ठीक? बाकी ये रूल्स वूल सब बेईमानी है, इस पर चार पांच क्वेश्चन बनाओगे खुद आपको कहानी समझ आएगी। लुक एट दिस ग्रामर और मुझे बताओ व्हाट इज फर्स्ट ऑफ एस, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ एस? वेरी गुड, इतना सिंपल प्रोडक्शन है इसमें क्या ही कर सकते हैं सर। अगर एस आपके पास है तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपको ए मिलेगा, या तो आपको बी मिलेगा, या तो आपको एप्साइलन मिलेगा। बताइए फॉलो कर पा रहे क्या? आइदर ए और बी और एप्साइलन। क्लियर है पॉइंट सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, अगला प्रोडक्शन देखिए। तीन नॉन टर्मिनल हैं, तीनों का फर्स्ट बताइए। फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए एंड फर्स्ट ऑफ बी। ओके, मुझे बताइएगा क्या फर्स्ट ऑफ एस में ए और बी तो आएगा ही आएगा, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये प्रोडक्शन चूज करूंगा तो ए आ जाएगा, ये प्रोडक्शन चूज करूंगा तो बी आएगा। क्या एप्सिलॉन भी आएगा फर्स्ट ऑफ एस में?
नहीं फर्स्ट ऑफिस एप्सिलॉन कभी हो नहीं सकता क्योंकि दोनों में से एक प्रोडक्शन तो मिलेगा मिलेगा, बट हाँ फर्स्ट ऑफ ए और फर्स्ट ऑफ बी शायद जरूर दोनों एप्सिलॉन होगा। रिलेट कर पा रहे हैं? अगला पैटर्न देखिए, अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी बहुत सारी बातें आप खुद ब खुद सीख जाओगे। हाँ भाई अच्छा एक लर्निंग मुझे बताओ प्लीज, मेरी मदद करो। इन जनरल जब कॉम्प्लेक्स ग्रामर पे काम करेंगे सर, तो ऊपर से नीचे आने का या नीचे से ऊपर जाने का, ये बताओ क्या चीज बेनिफिशियल है? फर्स्ट किस ऑर्डर में कैलकुलेट करना चाहिए? आई थिंक नीचे से ऊपर जाओगे तो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, इजंट इट? क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए हो सकता है आप उलझ जाओ। ठीक है, तो अब ये लर्निंग डेफिनेशन में नहीं दी जा सकती, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बात समझ आती है सर। नीचे से ऊपर जाऊंगा तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ बी? फर्स्ट ऑफ बी इज स्मॉल सी स्मॉल डी। फर्स्ट ऑफ बी स्मॉल सी स्मॉल डी। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए? इज स्मॉल ए स्मॉल बी। एंड व्हाट इज फर्स्ट ऑफ एस? ना फर्स्ट ऑफ एस इज ए, और बी से देखूंगा तो सी डी, क्योंकि उसे तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं। मुझे बताइए, क्या कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी को? फॉलो कर पा रहे क्या सब लोग? ओके नेक्स्ट पे आ जाता हूं। फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए एंड फर्स्ट ऑफ बी। सो लेट मी गो रिवर्स। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ बी? फर्स्ट ऑफ बी इज डी ई। फर्स्ट ऑफ ए इज ए बी। एंड फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ ए बिकॉज ऑफ विच ए बी। एंड इज फर्स्ट ऑफ बी बिकॉज ऑफ विच डी ई। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी को? ओके ओके नेक्स्ट सोचिए, जिसमें भी डाउट हो बताइएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्या फर्स्ट का, या चलिए पहले समझिए, क्या फॉलो में भी फर्स्ट यूज होगा? हाँ। और क्या बिना फर्स्ट और फॉलो के मैं एक भी पार्सर बना पाऊंगा? नहीं, चाहे बॉटम अप हो सर चाहे टॉप डाउन हो, दोनों में यूज होगा।
चाहे बॉटम अप हो चाहे टॉप डाउन हो, दोनों में यूज होगा। ये तो अपने को बनाना ही बनाना है। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ बी? फर्स्ट ऑफ बी इज अ स्मॉल सी। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए? फर्स्ट ऑफ ए इज बी एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज फर्स्ट ऑफ एस? अब यहां गौर करिएगा, फर्स्ट ऑफ एस इज, वेरी गुड वेरी गुड। क्या फर्स्ट ऑफ एस में एप्सिलॉन आएगा? समझ पा रहे हो ये बात? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। क्यों? देखो, ए की वैल्यू या तो बी होगी, अगर बी होगी तो बात वहीं पर रुक गई, लेकिन अगर ए एप्सिलॉन भी हो गया तो भी एस थोड़ी एप्सिलॉन हुआ। अगर ए एप्सिलॉन भी हो गया तो ए मिल जाएगा, सोचो, बट उसके आगे तो नहीं जा पाऊंगा, तो बी और ए होगा। देखो जरा इस बात को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट ऑफ एस में एप्सिलॉन नहीं होगा सर, क्योंकि ए तो रोक ही लेगा। अगर कैपिटल ए ने स्मॉल बी बना दिया तो स्मॉल बी पर बात पूरी हो जानी है, लेकिन अगर कैपिटल बी एप्सिलॉन हो गया तो मैं स्मॉल ए तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन टोटल एप्सिलॉन तो कभी नहीं होगा। क्या एस से एप्सिलॉन जनरेट हो सकता है क्या? सर नहीं हो सकता। एस से आप जो भी बनाएंगे उसके स्टार्टिंग में या तो बी आएगा या तो ए आएगा। बताइए ये बात रिलेट कर पा रहे हैं क्या? यस, क्लैरिटी है अभी इस पॉइंट पे? ओके सर, ओके। अगला प्रोडक्शन देखिए, अगला प्रोडक्शन देखिए, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि फिर कहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हमको ना रहे फर्स्ट में। कोई बात नहीं, मुझे बताएं, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ बी? स्मॉल सी और एप्सिलॉन? व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए? स्मॉल बी एंड एप्सिलॉन? एंड व्हाट इज फर्स्ट ऑफ एस? अब सोचना पड़ेगा, यहां पर ए है, ए से या तो बी मिलेगा या तो स्मॉल ए मिलेगा, और सी से या तो स्मॉल सी मिलेगा, और अगर एप्सिलॉन हुआ तो बी ऑलरेडी मेरे पास है। मुझे बताइए, एक ही सेट में एक वैल्यू दो बार लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सेट है ना भाई, तो बी ए सी दोबारा भी तो नहीं लिखूंगा। पैटर्न देखिए, किसी में भी कोई कंफ्यूजन है मुझे बताइए, कमेंट करिए, ऑडियो पे आइए, लेकिन ये वो क्वेश्चन है सर जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है क्या सभी को? अगले पैटर्न आइए, अब ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग।
ऑब्जर्व कर पा रहे, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ बी, बी एन एप्सिलॉन, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए, ए एन एप्सिलॉन, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए बी, ए बी एंड एप्सिलॉन। क्या इस बार एप्सिलॉन आएगा फर्स्ट ऑफ एस में? इस बार आएगा सर, बताओ क्यों आएगा? ये बात समझ पा रहे हो क्या? इस बार फर्स्ट ऑफ एस में एप्सिलॉन क्यों आया? सर इसलिए आया क्योंकि क्या यहां पर ए और बी दोनों एप्सिलॉन हो सकते हैं? हाँ, और अगर ए और बी दोनों एप्सिलॉन हो गए तो फिर क्या करेंगे? फिर तो एस भी एप्सिलॉन हो सकता है। क्लैरिटी हो रही है क्या? ओके ओके, अगला प्रोडक्शन देखिए। वाह, बहुत सारे नॉन टर्मिनल हैं, फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ डी एंड फर्स्ट ऑफ ई। पूरा पैटर्न देखिए, वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करिए, बताइए क्या कहानी है। ओके, लेट मी गो बॉटम अप। ई कॉमा एप्सिलॉन, डी, सी कॉमा एप्सिलॉन, बी कॉमा एप्सिलॉन, ए कॉमा एप्सिलॉन एंड फर्स्ट ऑफ एस इज ए बी, गौर करिएगा, सी डी। क्या ई एप्सिलॉन आएगा? क्या सोचो आप, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ध्यान से देखोगे तो डी एप्सिलॉन होगा नहीं। कोई भी भागे, क्या डी कभी मैदान छोड़ के भागेगा? नहीं। तो डी से आपको स्मॉल डी मिलेगा, तो ई तक कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? कोई बात नहीं, गलती भी हो गई तो उसको भी ऑब्जर्व करिए। अब बताइए अभी फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, तो अभी मैं एक काम करता हूं, मुझे लगता है पहले अगर मैं बात करता तो जरूर कंफ्यूजन होता, क्वेश्चन तो भी आगे और प्रैक्टिस करेंगे, बट अब मैं आपसे पूछता हूं इस डेफिनेशन का आइडिया, गौर करिएगा भी वन बाय वन। यहां पर कोई स्टैंडर्ड रूल तो होता नहीं है, एक एक करके मुझे बताओ, फर्स्ट रूल बताओ। डेफिनेशन तो आपको पता है, क्या टर्मिनल का फर्स्ट वो ही होगा? अगर अल्फा टर्मिनल है देन फर्स्ट ऑफ अल्फा इज अल्फा, क्या इसमें डाउट है किसी को? अब तो पढ़ लिया आपने। नहीं सर, फर्स्ट ऑफ अल्फा अल्फा ही होता है। यस, अच्छा मैं यहां पे ऑब्वियसली वो पैटर्न मैंने लिखा नहीं, कोई पूछ भी रहा था, फर्स्ट ऑफ ए बी सी ए है, क्या इस बात में डाउट है किसी को? कोई कमेंट किया था, मेरे को याद नहीं है। अभी क्लियर हो रहा है क्या सबको? अब नहीं है, ठीक बात है, क्योंकि ए आपको आगे जाने नहीं देगा, तो फर्स्ट ऑफ ए बी सी ए ही होगा, ठीक है। अच्छा, इफ अल्फा इज नॉन टर्मिनल, इफ अल्फा इज नॉन टर्मिनल बट देयर इज अ प्रोडक्शन अल्फा टू एप्सिलॉन, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ अल्फा में एप्सिलॉन भी आएगा। बिल्कुल सही बात है, अब तो हमने कर लिया और कई बार लगा के देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इफ अल्फा इज नॉन टर्मिनल बट देयर इज अ प्रोडक्शन अल्फा टू बीटा एंड बीटा इज टर्मिनल, उस केस में फर्स्ट ऑफ अल्फा इज बीटा, जैसा अभी हम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ लूं कि भाई एक ही प्रोडक्शन है, कैपिटल ए टू स्मॉल ए, बताओ फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए क्या होगा? भाई स्मॉल ए होगा। तो अगर अल्फा नॉन टर्मिनल है, अगर बीटा टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ और प्रोडक्शन अल्फा टू बीटा, देन फर्स्ट ऑफ अल्फा इज नथिंग बट बीटा। हाँ कि ना? हाँ।
अब ये जो फोर्थ केस है, ये बाकी की सारी लर्निंग फोर्थ केस में लगाने की कोशिश की है, जहां गलती करूं बताइएगा। अब ये क्या कह रहा है जनाब, अल्फा एक नॉन टर्मिनल, देयर इज अ प्रोडक्शन अल्फा टेंड्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। ऑब्जर्व कर पा रहे, अल्फा से एक प्रोडक्शन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब गौर करिए, कंडीशन बाय कंडीशन लिखता हूं। कह रहा है अगर एक्स से एप्सिलॉन प्रोडक्शन है कि नहीं है, इफ देयर इज नो प्रोडक्शन फ्रॉम एक्स टू एप्सिलॉन, एक्स वन टू एप्सिलॉन, तो आपकी जमानत पे पूछना चाहता हूं उस केस में क्या फर्स्ट ऑफ अल्फा फर्स्ट ऑफ एक्स वन ही हो जाएगा, बताइए। हाँ, सीख ली ना ये बात आपने, क्योंकि एक्स वन अगर भगोड़ा नहीं है, एक्स वन अगर एप्सिलॉन नहीं हो रहा, तो क्या कभी आप एक्स टू एक्स थ्री पर जा पाओगे? क्या नहीं जा पाओगे सर, कहानी इधर ही कंप्लीट हो जानी है। यस, अगला पैटर्न देखिए, मैं बोल रहा हूं एक्स वन एप्सिलॉन जा सकता है लेकिन एक्स टू नहीं जाएगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको आंसर लिखना चाहिए फर्स्ट ऑफ एक्स वन यूनियन फर्स्ट ऑफ एक्स टू, एक्स टू भी लेना पड़ेगा अब तो, इजंट इट? लेकिन माइनस एप्सिलॉन क्यों? क्या ओवरऑल अभी भी एप्सिलॉन होगा? ओवरऑल एप्सिलॉन नहीं होगा। इस बात को ऐसे समझिए, अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं, सपोज देयर इज अ प्रोडक्शन लाइक, अभी जैसे हमने ये एबीसीडी वाला एग्जांपल किया था लाइक दिस, अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक ही प्रोडक्शन है ए टेंड्स टू स्मॉल ए, तो बी सी से लेना देना है क्या? नहीं, फर्स्ट ऑफ अल्फा ए होगा, फर्स्ट ऑफ अल्फा सर इस केस में ए होगा, है ना? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोल दू नहीं, द प्रोडक्शन इज समथिंग लाइक दिस, अब बताओ फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, क्योंकि ए और बी दोनों का यूनियन करना पड़ेगा ना। लेकिन अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या रिजल्ट से एप्सिलॉन माइनस कर दूं? हाँ, क्योंकि जब आप ए और बी का यूनियन करोगे तो आपको मिलेगा ए बी एप्सिलॉन, ए के फर्स्ट में भले ही एप्सिलॉन हो, अल्फा के फर्स्ट में एप्सिलॉन नहीं होगा। और अभी भी क्या सी यहां पर कोई पार्टी है? सी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि सी तक हम पहुंच ही नहीं रहे, तो इसीलिए यहां पर देखो एक्स टू कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, आखिरी पे आ जाओ, कह रहा है एक्स वन से भी एप्सिलॉन हो सकता है, एक्स टू से भी एप्सिलॉन हो सकता है, बट एक्स थ्री से नहीं हो सकता। ओहो, तो अब अल्फा वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या तीनों का यूनियन करना पड़ेगा, बताओ? हाँ, क्योंकि सर तीनों तक जा पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक्स थ्री एप्सिलॉन नहीं है, अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, अच्छा इधर भी एप्सिलॉन इधर भी एप्सिलॉन बट सी टेंड्स टू स्मॉल सी, तो क्या अल्फा के फर्स्ट में एप्सिलॉन होगा? नहीं, कुछ भी हो, सी खड़ा है लास्ट में, कहता मैं नहीं भाग रहा, तो क्या रिजल्ट से अभी भी एप्सिलॉन माइनस करूंगा? हाँ। और लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो सर, जहां पे तीनों नल प्रोडक्शन करने की कोशिश करे, वहां पर क्या रिजल्ट से मैं एप्सिलॉन माइनस करूंगा? नहीं, क्योंकि यहां तो फर्स्ट ऑफ अल्फा में भी एप्सिलॉन आएगा सर, है ना? अब आप मुझे बताओ, जब पहली बार आपने इसे देखा 15 मिनट पहले, तो देख के लग रहा था क्या बवाल है यार, क्या ये ड्रामा, नहीं? और ये क्या है, ये कॉमन सेंस गंद है, कुछ नहीं है, ये क्या है? कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। इसमें कोई नई बात लिख दी क्या इसने? ये तो भाई हम करना सीख चुके हैं। पर बुक आप देखोगे उलमैन, तो उलमैन में ऐसे उल्लू बना है, उलमैन को उलमैन क्यों बोलते हैं? कि वो उल्लू बना देता है। देख के लगता भाई साहब कंपाइलर की तो कहानी क्या है। और इस बात को मैं आपको बता दूं, ये पूरा सब्जेक्ट में इसी फैशन में पढ़ाऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, उल्टा पहले क्वेश्चन करा दूंगा डेफिनेशन पे बाद में लेके आऊंगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा अच्छा यही था, वरना तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे, व्हाट इज द रूल, व्हाई इट इज गोइंग टू एप्सिलॉन, व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस, लाइक दिस। इसको नोट्स में लिखना है कि नहीं लिखना, ये आप डिसाइड करें, मैं तो लिखा हुआ इसी का प्रिंट निकाल लीजिएगा। वाइवा में डाइवर्ट करने वाला टेक्निक क्या, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में डाइवर्ट? भाई ये तो आपके और एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, और भारत में तो आप मुझे बताएं बातों का जो डाइवर्जन है उसको कोई नियम है क्या? नहीं, पॉलिटिक्स से स्टार्ट करके लोग 10 मिनट में जलेबी समोसे पे आ जाते हैं, इजंट इट? बातों का ये जो है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल करना, और इतने जबरदस्त तरीके से फंक्शन कॉल होते हैं, हर 10-10 मिनट में टॉपिक चेंज हो जाता है, कहीं से कहीं चलता जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं?
ठीक है सर। तो इसमें आज का आपके लिए होमवर्क है, बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं फर्स्ट और फॉलो के। पहले फर्स्ट कैलकुलेट आप करके आइएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, और फिर कल हम फॉलो की बात करेंगे, और फिर कल हम पहला LL1 पार्सर बना लेंगे। शाम को 7 से 9 आपकी आर्किटेक्चर की क्लास होगी, जहां आज हम कंट्रोल यूनिट कंप्लीट करेंगे। यस, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।